सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 73वीं कक्षा। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा अंक चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 7वें सूत्र तक देखा था। विषय था बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य है, और बुद्धि का मतलब ज्ञान के रूप में देखते हुए भी, लेकिन उसके साथ साथ द्रव्य को भी बीच बीच में लेके उसके संबंधित भी चर्चा हुई है। वो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम पृष्ठ संख्या 380। प्रथम अनुच्छेद तीसरी पंक्ति। ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते चेतनस्य इदानीं किं स्वरूपः। यहाँ पर बुद्धि को भी इन्होंने चेतन स्वरूप मान लिया है, उसका ज्ञान स्वीकार करते हुए अभ्युपगम से। तो यहाँ जो ये चेतनस्य इदानीं किं स्वरूपम है, ये बुद्धि के स्वरूप को जानना चाहते हैं या चेतन आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं? और इसी प्रकार है ना, इसमें ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य, यानी यदि बुद्धि अर्थात अंतःकरण का स्वीकार किया जाए तो अभ्युपगम से ही कह रहा है, और बुद्धि को चेतन मानते हुए बुद्धि को आत्मा नहीं कह रहा है। ये है तो बुद्धि ही अंतःकरण ही है, यानी साधन ही है, लेकिन उसको भी अगर चेतन मान लिया जाए तो जो मुख्य चेतन, यानी तो मुख्य भी हटा लीजिए तो जो आत्मा है वो भी, उसको भी चेतन मानना पड़ेगा। तो उसका लक्षण इससे भिन्न क्या किया जाएगा, ये बात है। हाँ। इसी तरह से इस पंक्ति के अंत में जो किया है, ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन अयम चेतनः, ये भी चेतन आत्मा का ही कथन किया जा रहा है, बुद्धि चेतन का नहीं। चेतनः किम करोति इति, ये चेतन तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है। हाँ। ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन, अगर ये मान लिया जाए कि ज्ञान बुद्धि में वर्तमान है तो चेतन यानी आत्मा। अब ये बुद्धि वाला चेतन नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, चेतन यानी आत्मा उससे करता क्या है, फिर क्या करेगा, ऐसे प्रश्न उठाया। ठीक है, दोनों स्थलों के ऊपर अभ्युपगम से स्वीकार तो बुद्धि को ही चेतन किया है, पर फिर भी चेतन शब्द से चेतन आत्मा को ही कह रहे हैं, बुद्धि को नहीं कह रहे हैं स्वयं से। हाँ। पृष्ठ संख्या 381 पर। हाँ। दूसरा अनुच्छेद तीसरी पंक्ति में मध्य से है, तत्र उभयोश चेतनत्वात् अन्यतर लोप इति। हाँ। यहाँ दो में से एक का लोप कर रहे हैं, पर इसके लिए कोई विशेष हेतु नहीं दिया जा रहा। हाँ, हेतु नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे को जो अनुभूति होती है तो यही होती है कि मैंने ही देखा। अगर दो चेतन माने जाए, दो या दो से अधिक, तो उस तरह की हमारे को फिर अनुभूति होनी चाहिए। ये चेतन अलग अनुभूति कर रहा है, ये अनुभूति कर रहा है। जो पीछे भी आया था कि जितना भी ज्ञान हो रहा है हमारे को किसी भी इंद्रिय से, तो आत्मा को सर्वज्ञाता कहा गया कि सब कुछ वो ही जानता है। यदि दो चेतन होते अलग अलग होते तो ये अलग अलग अनुभूतियाँ होती कि इसको तो ये जान रहा है और इसको ये जान रहा है, और अगर दोनों जान रहे होते सबको तो भी अंतर होता कि ये भी जानता है सबको और ये भी जानता है सबको। वो भेद का अनुभव आना चाहिए था, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारे को ये भेद प्रतीत नहीं होता है। बस यही इसमें पीछे कारण बनेगा, क्योंकि अलग से तो इन्होंने नहीं कहा। समानम भवति त
पुरुषश्चेतयते बुद्धिर जानिते इति अत्रापि अर्थो न भिद्यते और तत्र उभयोश्चेतनत्वात् अन्यतर लोपयति। इसके पीछे मतलब ये अभ्युपगम सिद्धांत से मान करके चल रहे हैं, यहाँ सिद्ध नहीं कर रहे हैं लेकिन मान के चल रहे हैं कि चेतन तो एक ही होगा, उस बस सिद्धांत को यहाँ पर लगा दिया है कि तत्र उभयोश्चेतनत्वात्, अगर इन दोनों को चेतन मान लिया जाए आपके कथनानुसार तो एक का तो लोप होना ही है क्योंकि चेतन तो एक ही हो सकता है, अभिमानी आत्मा तो एक ही हो सकता है। ये सिद्ध बात के आधार पर बस यहाँ कथन कर दिया, एक ही होगा, इसमें कोई हेतु या चर्चा प्रमाण यहाँ पर रखने का इनका नहीं, वो मान करके चल रहे हैं, सिद्ध बात को मान के कथन किया गया है। और वैसे हेतु तो इसी तरह बन सकता है कि, और वैसे अन्य दर्शनों में जैसे संख्या आदि में भी अभिमानी आत्मा है तो वो एक ही होती है, जिसने कर्म किए उसी के फल के भोग के लिए ये सारा का सारा है, उस ले सकते हैं। बाकी ये थोड़ा हेतु जो मैंने बोले ऐसे कुछ हेतु ले सकते हैं। हाँ, ये वैसे रोचक बात है कि जिस चीज़ को जानते हैं उसको जानते हुए भी प्रवाद मात्र के लिए चर्चा कर रहे हैं, तब ऐसे में भी फिर से क्या, जिस चीज़ को जानते हैं कि ये बुद्धि अनित्य है उसी के लिए बस प्रवाद मात्र, बस चर्चा करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, ऐसा करते हुए भी जिस बात को जानते हैं कि आत्मा एक ही है उसके लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक विषय में लगे एक में नहीं लगे उसी बात के आधार लेते हुए। ठीक है, ये व्याख्याकार की और निर्माता की, पुस्तक निर्माता की अपनी स्वतंत्रता है कि वो किस पे चर्चा करता है किस पे नहीं करता है, वो ऐसा सोचते हैं, ये उनका अधिकार मान के चल सकते हैं कि उन्होंने इसको आवश्यक समझा तो उस पर चर्चा की, इसको आवश्यक नहीं समझा तो नहीं की। ठीक है, हमारे को अपेक्षा हो सकती है कि भाई इस पे भी चर्चा करनी चाहिए थी, तो हम जब पुस्तक लिखेंगे तो हम उस पे चर्चा करेंगे, और हो सकता है कोई चीज़ हमारे से भी छूटे और अगली पीढ़ी कहे कि भाई इनको ये भी करना चाहिए था, ये नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल कहा जा सकता है। वो अवसर तो क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, अभिप्राय दृष्टि अलग अलग होते हैं, हो ही सकता है, पर उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं इसका। हाँ हाँ बोलिए। ओम, पृष्ठ संख्या 382। हाँ, सूत्र 4। हाँ, पीछे ज्ञान और ज्ञानवान एक है ऐसे करके जो पूर्व पक्षी हैं, हाँ, उसके उत्तर में ये दे रहे हैं कि युगपत अग्रहण होने से ज्ञानवान और ज्ञान एक नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ जी, तो हाँ, यदि ज्ञानवान और ज्ञान को एक मानेंगे तो विषयों का ग्रहण एक साथ होने लगेगा, होने लगेगा, तो ये कैसे होने लगेगा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, ज्ञानवान यानी वृत्तिमान वो तो सदा बना ही रहेगा, जब क्रमशः ज्ञान होते हैं तब भी उसका तो होना माना ही जाता है, उसमें तो विवाद है ही नहीं। मन अंतःकरण ज्ञानवान लगातार एक ही है या आत्मा एक ही है, लेकिन विषय बदलते रह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब विषय बदलते रहते हैं, वहाँ उसका तात्पर्य क्या है कि ज्ञानवान में या वृत्तिमान में एक समय में एक ही वृत्ति है, दूसरी वृत्ति नहीं है। ठीक है, एक वृत्ति है अन्य वृत्ति नहीं है, फिर अगले क्षण या कभी कोई अन्य वृत्ति आएगी, वो वृत्ति पहले वाली चली जाएगी, ऐसे वृत्तियों में परिवर्तन आता रहेगा, इसीलिए हम कह पाते हैं कि ज्ञान एक साथ नहीं होते। ये कह रहे हैं ज्ञान एक साथ नहीं होते या क्रमशः होते हैं, तो उसका पीछे आधार क्या बना कि वृत्तियाँ सब समय में नहीं रहती हैं, भिन्न भिन्न समय में आती हैं, क्रमशः आती हैं। अब यदि वो वृत्तियाँ हर समय रहें तो क्या होगा, वृत्तियों के एक वृत्ति के रहने पर उसका ज्ञान हो जाता है, वृत्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वृत्ति और वृत्तिमान में जब भेद मानते हैं, वृत्ति उत्पन्न होती है नष्ट होती है, अलग अलग वृत्तियां बनती हैं, तो वृत्तिमान जो ज्ञानवान है, ज्ञान हो रहा है, तो वो उसके साथ वृत्ति वृत्तिमान में ज्ञान उससे जुड़ा हुआ है ना, जिस समय वृत्ति जो वृत्ति होती है वही ज्ञान होता है। ठीक है, किसी एक की वृत्ति हो रही है तो वही ज्ञान होगा, फिर दूसरे को देखेंगे, दूसरे पेड़ को देखेंगे तो उसकी वृत्ति होगी, उसका ज्ञान हो जाएगा,
वो साथ साथ होते हैं, यानी वृत्ति के साथ में ज्ञान का होना ना होना, वृत्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं है, वृत्ति है तो ज्ञान है, ये बात पीछे इसमें आ जाएगी ना जुड़ करके। अब यदि दोनों एक ही हैं और दोनों स्थिर हैं, वृत्तिमान तो है ही तो वृत्तियां भी स्थिर हैं, तो वृत्तियां स्थिर हैं तो कौन सी वृत्ति स्थिर है? सारी वृत्तियां स्थिर हैं, सब विषयों की वृत्तियां स्थिर हैं। तो यदि सब विषयों की वृत्तियां स्थिर हैं तो क्या होना चाहिए? सबका ज्ञान होना चाहिए, एक साथ ज्ञान होना चाहिए। देखो वृत्ति वृत्ति मतो अनन्यत्वे, वृत्तिमतो अवस्थानात् वृत्तिनाम अवस्थानम इति, ठीक है, वृत्तिमान के स्थिर मानने से वृत्तियों का भी स्थिरत्व मानना होगा, ठीक है, जब एक ही मान रहे हैं दोनों को, अलग नहीं है, यद्यपि गुण गुणी के रूप में हैं लेकिन वो एक ही हैं, वृत्तिमान है तो वृत्ति भी है, तो वृत्ति है तो कौन सी वृत्ति है? सारी वृत्तियां होंगी, जितनी भी तरह की जितने भी विषयों की वृत्ति है वो सारी की सारी होंगी। आप उस परिकल्पना को कीजिए, वृत्तिमान तो है और उसके साथ साथ वृत्तियां भी हैं, तो वृत्तियां भी हैं का मतलब क्या होगा? सारी वृत्तियां हैं, क्योंकि यदि वो मानते हैं कि एक वृत्ति है, कोई ना कोई वृत्ति है, अन्य वृत्तियां नहीं है, तब तो फिर वो तो क्रमशः ज्ञान वाली बात ही आ जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं कि वृत्तिमान है और वृत्तिमान के होने स्थिरता से वृत्तियां भी स्थिर हैं, तो वहां तात्पर्य क्या लिया जाएगा? सारी वृत्तियां हैं, और जब सारी वृत्तियां हैं तो वृत्ति के होने पे साथ में ज्ञान होता है, तो सारी वृत्तियां हैं तो सारे विषयों का ज्ञान होगा, युगपत ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। क्रम नहीं है इसलिए ज्ञान में भी क्रम नहीं है, इसलिए आगे कहा यानी इमानी विषय ग्रहणानी, ये जितने भी विषयों का ग्रहण है यानी ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान परक अर्थ लेंगे तो यानी इमानी विषय ग्रहणानी तानी अवतिष्ठन्ते, तो वो भी स्थिर होंगे, यानी वृत्तियां स्थिर हैं तो जो विषयों का ग्रहण है वो भी स्थिर हो जाएगा। और किन विषयों का ग्रहण स्थिर होगा? सभी का होगा, क्योंकि सभी वृत्तियां माननी पड़ेंगी उस पक्ष में, तो सभी विषयों का ग्रहण भी तानी अवतिष्ठन्ते स्थिर हो जाएगा इति, ऐसा होने पर युगपत विषयानाम ग्रहणम प्रसक्तम इति, एक साथ सब विषयों का ग्रहण, एक साथ सबका ज्ञान, ये दोष प्रसक्त होगा। हाँ, इसकी जो इन्होंने पीछे बताया था यच्च मन्यते, इसके पिछले पृष्ठ में, हाँ, यच्च मन्यते जी, यथा विषय वृत्तयः ज्ञानानि, यहाँ पर वृत्ति और ज्ञान को हमने समान एक ही मतलब समानार्थक लिया था, हाँ, और यहाँ पर उत्तर में थोड़ा से हम अंतर कर रहे हैं। नहीं, उसको समझने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थितायः बुद्धेः यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्या इति। वृत्ति का मतलब ज्ञान ही ले रहे हैं आप, इसको यहां पर ज्ञान शब्द की जगह ग्रहण को कर लीजिए, अब वहां फिर वही बात आ जाएगी, वृत्ति का मतलब ज्ञान ले लिया। अब उसको समझाने के लिए ये जो युगपत अग्रहण कहा है ना, ये नहीं है, युगपत अग्रहणात, एक साथ अग्रहण होने से, अग्रहण का क्या मतलब होगा? या तो ग्रहण मतलब वो लेना, वो अर्थ लें तो किसका अग्रहण? एक साथ अग्रहण होने से, यानी एक साथ ज्ञान न होने से, यही मतलब निकलेगा। यहाँ हम उपलब्धि कहते हैं, ग्रहण मतलब यहाँ उपलब्धि हो गया, ग्रहण करते हैं तो उपलब्धि होता है हमारे को कुछ, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम की दृष्टि से। अब यहाँ पर ग्रहण शब्द है,
आपको कुछ ज्ञान नहीं तो आपको ग्रहण लेना पड़ेगा। तो पंक्ति देख लीजिए, वृत्ति वृत्ति मतो अन्यत अनन्यत्वे वृत्ति मतो अवस्थानत वृत्ति नाम अवस्थानम इति। तो ज्ञान भी अवस्थित हो जाएंगे, यानी एक साथ सब ज्ञान होने लगेंगे, यही मतलब ले लीजिए। यानी इमानी विषय ग्रहणानी, ये जितने भी विषय ग्रहण हैं, अब ये विषय ग्रहण वो वृत्ति तो है, अगर वृत्ति और ज्ञान एक ही बात है तो वैसे यूँ हम अलग अलग देखते हैं जब, तो वृत्ति ज्ञानात्मक वृत्ति, चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार, वृत्ति मतलब व्यापार कहलाता है। अब चूंकि वृत्तिमान और वृत्तिमान का वृत्ति और वृत्तिमान है, तो वृत्ति क्या है उसका, वो वृत्ति भी व्यवहार भी जो है वो ज्ञानात्मक होता है, एक कर्मात्मक वृत्ति होती है और एक ज्ञानात्मक वृत्ति होती है। तो ये चूंकि प्रसंग ज्ञानेन्द्रियों और ज्ञान का चल रहा है, तो ये वृत्ति मतलब ज्ञानात्मक वृत्ति की बात है, तो वो ज्ञान स्वरूप ही है, आगे आएगा भी। तो यानी इमानी विषय ग्रहणानी तानी अवतिष्ठन्ते। तो अब जो बात जैसे यहाँ कही वृत्ति नाम अपि अवस्थान, वृत्तियों का भी अवस्थान होगा, अब इसके आधार पर अगली बात क्या कही जा रही है, यानी इमानी विषय ग्रहणानी, जो विषयों का ग्रहण है वो अवस्थित रहेंगे। तो वृत्ति नाम अवस्थानम भी वही बात है और विषयों का ग्रहण भी वही बात है, तो फिर तो कोई अलग से कहने की बात ही नहीं, लेकिन फिर भी अलग से कहा जा रहा है क्योंकि शब्द वहां पर वृत्ति ले लिया, वृत्ति और वृत्तिमान, तो उनकी जो उपलब्धि है, ग्रहण है, ज्ञान का ग्रहण है, यूं कह लो आप, ग्रहण मतलब भी ज्ञान होता है वैसे, लेकिन यहां पर ज्ञान का ग्रहण करके कुछ अलग कर लीजिए कि उनका विषयों का जो ग्रहण है, वो विषयों का ग्रहण मतलब वो ज्ञान ही है हमारे को एक तरह से, तो जो विषयों का ग्रहण है वो एक साथ होने लगेगा। ताकि यहाँ पर वृत्ति का मतलब ज्ञान ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि प्रसंग सारा वो ज्ञान का ही चल रहा है, ऐसे में बीच में जो वृत्ति शब्द आया है तो ज्ञान पर ही लिया जाएगा। वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, वृत्तय को ही ज्ञानानि करके खोला गया है, ठीक है। हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 378। हाँ, भाष्य में दूसरा अनुच्छेद है, दृष्टि प्रवाद उपलम्भार्थम तु प्रकरणम। हाँ, दर्शन के सिद्धांत को खंडन करने के लिए प्रकरण चलाया गया, और आगे उस सिद्धांत को बताया कि एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः पुरुषस्य अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि, पुरुष की जो अंतःकरण रूप बुद्धि है वो नित्य। तो इस बात का तो इन्होंने खंडन तो किया नहीं सिद्धांत का, लेकिन जो उसके लिए हेतु दिए गए थे कि प्रत्यभिज्ञा आदि से, उन हेतुओं का खंडन किया, लेकिन इस सिद्धांत को तो उन्होंने स्वीकार किया ही है। तो हाँ, जो प्रत्यभिज्ञान हेतु दिया उसका साधन का, उस प्रत्यभिज्ञान का खंडन किया इन्होंने कि प्रत्यभिज्ञान तो आत्मा का होता है, अंतःकरण का नहीं होता है। तो इस अब वो हेतु खंडित होगा तो जो साध्य है वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सिद्धांत को तो स्वीकार करेंगे। हाँ, कर रहा है, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होगा, ये जो विषय का प्रत्यभिज्ञान है इस रूप में खंडन कर दिया, साध्य समत्वाद हेतु अहेतु। अब इसमें जो ये चर्चा करी ना इन्होंने, उस द्रव्य को, इंद्रिय को लेकर के कर दी, विषय तो था ज्ञान का, और ज्ञान या उस ज्ञान को जब हम बुद्धि शब्द से कह रहे हैं उसको तो ये अनित्य ही मानते हैं, उसको नित्य नहीं मानते, लेकिन अगर उस ज्ञान का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब अब अंतकरण ले लेंगे तो वो तो उस रूप में स्थिर माना ही जाता है, वो तो ये भी मानेंगे, बल्कि ये तो नित्य ही मानते हैं मन को, अंतकरण को, सांख्य में मन को नित्य ही माना जाता है। उस तरह से सिद्धांत यूं देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन चर्चा चल रही है बस। जैसे अंतःकरण बुद्धि को नित्य सिद्ध करने में हेतु जो दिया था कि विषय प्रत्यभिज्ञानात्, उसका इन्होंने खंडन कर दिया कि प्रत्यभिज्ञा तो आत्मा को होती है, इसलिए आत्मा की नित्यता इससे सिद्ध होती है न कि अंतःकरण की। किंतु इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो इस हेतु को अंतःकरण के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हमको प्रत्यभिज्ञा होगी वो जब ज्ञान स्थित होगा तभी हमको प्रत्यभिज्ञा हो सकती, और वो ज्ञान तो अंतःकरण में स्थित होगा। ये अंतःकरण में स्थित नहीं मानते हैं ना दर्शन में, आपस न्याय दर्शन में ये आत्मा में मानते हैं, ज्ञान की स्थिति
तो प्रतिविज्ञा आत्मा को इसीलिए, क्योंकि उसके साथ साथ जुड़ी हुई बात है, बिल्कुल ठीक है कि प्रतिविज्ञा हो रही है तो उसके पास पहले पूर्व का ज्ञान है, तभी तो वो आगे वाले के लिए जोड़ रहा है कि हाँ ये वही है जिसको मैंने पहले देखा था। अगर पिछला ज्ञान ना हो तो प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। तो ज्ञान को आत्मा में स्वीकार करते हैं इसलिए ये कथन है, उसको अंतकरण में नहीं मान रहे। उनका एकत्रीकरण होना वो भी आत्मा में, तो फिर इनकी दृष्टि से आत्मा में। मैं वही चर्चा कर रहा था ना कल, कि इसमें अलग अलग दृष्टिभेद होता है कि भाई ज्ञान रहता कहाँ पर है। तो वो जब एक पक्ष है कि आत्मा में रहता है, तो और महर्षि दयानंद के बहुत सारे वचन हैं उपनिषद के भी, जो ये पक्ष था मैंने रोजड़ वाली चर्चा का कहा था, तो जो ये पक्ष मानता है कि ज्ञान आत्मा में रहता है, मन में नहीं रहता, उन्होंने भी बहुत सारे वचन प्रस्तुत कर दिए थे। उसमें ये न्याय दर्शन के भी थे और महर्षि दयानंद के वचन भी थे, उपनिषद के भी थे, उन सबको लेकर के उन्होंने कहा कि देखो इसमें स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान आत्मा में रहता है। तो ये ज्ञान को आत्मा में ही मानते हैं। तो उस पक्ष में जब आप प्रश्न ये कर रहे हो कि प्रत्यभिज्ञा तो अंतकरण में भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि उसमें ज्ञान रहता है, लेकिन ये उस तरह से नहीं देखते, उसमें ज्ञान नहीं रहता है, ये उसमें ज्ञान नहीं मानते हैं। उसमें ज्ञान नहीं मानेंगे तो अब अंतकरण की प्रत्यभिज्ञा भी ये स्वीकार नहीं कर सकते। और ज्ञान जो होना है वो तो चेतन का ही धर्म है, तो ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान का वहाँ होना ये दोनों एक ही उसमें मानते हैं। ये जो संस्कार सारे संस्कार आदि स्मृति आदि वो सब आत्मा में मान रहे, ये संस्कार, हाँ वो संस्कार के रूप में भी सारा का सारा वो एक पक्ष वो आत्मा में ही माना जाता है। आगे भी चर्चा आएगी आत्मा की, स्मृति कैसे उत्पन्न होती है, कैसे करती है, वो चर्चा हालांकि अभ्युपगम से है और आत्मा के विभुत्व को लेकर के और अभिभूत को लेकर के भी जो चर्चा चलती है ना कि आत्मा विभू है, अभी तो नहीं आया ना ये विषय। हाँ, आत्मा के विभुत्व को मान करके स्मृति कैसे आती है उस प्रसंग में जब चर्चा आएगी, तो उस आधार पर कई जने कहते हैं देखो ये आत्मा को विभू मान करके कथन किया गया है। ये तो वैसे चर्चा सामान्य रूप से आपके साथ आ चुकी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ, दूसरी जगह बैठा हूँ तो दूसरी जगह, हम जहाँ जाएँ वहाँ वहाँ उसके संस्कार आत्मा में हैं, आत्मा विभू है। तो जब स्मरण करते हैं तो कैसे लाते हैं उसकी चर्चा चलेगी आगे। तो विभुत्व पक्ष में ऐसा ही माना जाता है कि वो ये विभू है और उसके सारे संस्कार उसमें हैं, लेकिन वो एक पक्ष में है, एक मत में है, सिद्धांत पक्ष नहीं है वो, पर फिर भी ज्ञान आत्मा में है ये इनका भाव होता है। और इसकी समझ जो बनती है दोनों की, कोई विरोध न मानते हुए कि अनुभूति आत्मा ही करता है चेतन होने से, लेकिन संस्कार के रूप में वो अंतःकरण चित्त में रहता है। यदि हम संस्कार को भी ज्ञान कह दें, सूचनाओं को भी ज्ञान कह दें, जैसे कि लोक में आज भी हम कह देते हैं, तब तो अंतकरण में भी ज्ञान माना जा सकता है। और वो ज्ञान वो नहीं है जो अनुभूति वाला ज्ञान है, सूचना के रूप में, संग्रह के रूप में ज्ञान माना जा सकता है और अनुभूति आत्मा करता है। ये पक्ष ही अंततः मिला करके समझ में आता है। हाँ ठीक है, तो आगे का देखते हैं। पृष्ठ संख्या 383, तो सूत्र संख्या 8 से हम प्रारंभ करेंगे। सिद्धांत ये मानता है कि एक समय में अनेक ज्ञान नहीं होते, क्रमशः होते हैं। पूर्व पक्षी उस तरह से अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा था। और यदि अंतःकरण को विभू माना जाए तो उस प्रसंग में आगे चर्चा कर रहे हैं। आठवें सूत्र की भूमिका है विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः न। सूत्र में जो न है ये ऊपर की भूमिका के साथ में जुड़ा हुआ है, संयोगः न, ये संयोग नहीं हो सकता है, हेतु है गत्यभावात्, गति का अभाव होने से। पीछे जो कहा था इन्होंने कि क्रमवृत्तित्व होने से इंद्रियार्थों का अयुगपत ग्रहण होता है, ये सिद्धांत पक्ष कहा, और मन को ये अणु भी मानते हैं, एक भी मानते हैं, तब ये संगत होता है। अगर मन को विभू माना जाए तो, उस पक्ष में ये कहा
कि अंतकरण को यदि विभू माना जाए तो इंद्रियों के साथ में पर्याय से जो संयोग होता है मन का, एक समय में अनेक ज्ञान न होने के पीछे कारण क्या माना जाता है कि मन अणु है और इंद्रियों के साथ एक साथ संपर्क नहीं कर सकता, वो क्रमशः करता है, कभी आँख से कभी कान से, ऐसे अलग अलग करता है। अलग अलग करने के कारण से उस विषय का ज्ञान होता रहता है, तेजी से होता है, इसलिए एक जैसा लगता है, लेकिन होता क्रमशः है, ये कहते हैं ये। लेकिन यदि मन को अंतःकरण को विभू मान लिया जाए, विभू मतलब व्यापक मान लिया जाए, अब सर्वव्यापक मानो या न मानो, लेकिन विभू का मतलब सब इंद्रियों के साथ में वो एक साथ जुड़ जाएगा। विभू मानने की स्थिति में क्या पक्ष बनेगा कि अंतःकरण के साथ में सब इंद्रियों का संयोग हो जाएगा एक ही समय में सब इंद्रियों का संयोग हो जाएगा उस समय में। तथा विभुत्व च अंतःकरण से, ऐसा होने पर जो इंद्रियों का पर्याय से संयोग हो रहा था एक एक करके, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? गति अभावात, जो विभू है उसमें गति का अभाव होने से, एक देशी होता है उसमें गति होती है, तो क्रमशः एक एक इंद्रियों में जाएगा, लेकिन अगर विभू है तो उसका क्या आना और जाना, वो तो पहले से वहाँ पर विद्यमान है। तो गति का अभाव होने से पर्याय का भी, इंद्रियों के साथ जो जुड़ना है उसका भी अभाव हो जाएगा, दोष बता रहे हैं उसमें। भाष्य, प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन, अंतःकरण के द्वारा सभी इंद्रियां प्राप्त हैं, यानी अंतःकरण सब इंद्रियों तक पहुंचा हुआ है विभुत्व पक्ष में। तो अंतःकरण है ना, कैसे अंतःकरण के द्वारा, विभुना अंतःकरण है, विभू जो अंतःकरण है उसके द्वारा सारी इंद्रियां प्राप्त हैं, और जो प्राप्त हैं तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, तो प्राप्ति प्रयोजन वाले गमन का अभाव हो जाएगा। हम जो गमन करते हैं कि मैं इस खिड़की तक पहुंचूं, खिड़की को प्राप्त हूं, मैं द्वार को प्राप्त हूं, मैं इस यज्ञशाला को प्राप्त हूं, मैं वहां पहुंचूं, इस इच्छा से जो हमारा प्रयत्न होता है वो कब होगा, जब हम एक देशी हैं, और यदि हम व्यापक हैं तो पहले से ही चूंकि प्राप्त है इसलिए प्राप्ति की के लिए कोई यत्न की आवश्यकता ही नहीं है, उसका अभाव हो जाएगा। तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, गमन का अभाव हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में तत्र कर्मवृत्तित्व अभावात, क्रमशः व्यापार का अभाव होने से, मन का एक एक इंद्रिय से क्रमशः यानी एक के बाद एक ऐसे अभाव होने से, मन इंद्रियों से क्रमशः जुड़ता है, इसका ऐसा अर्थ नहीं कि पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं तो पांचों से क्रमशः जुड़ेगा और फिर उसी क्रम से जुड़ता रहेगा। कैसे? इंद्रियों का एक क्रम बना लो पहले, तो पांच इंद्रियां, तो आकाश की, तो पहले मान लो श्रोत्र को ले लिया, या तो नीचे से लो तो गंध को ले लो, यानी पांच ज्ञानेन्द्रियों का एक पहले तो क्रम बना दिया, एक दो तीन चार पाँच, वो हमेशा उसी क्रम में रहेंगे। अब मन सबके साथ क्रमशः जुड़ रहा है, तो यहाँ क्रम का ये मतलब नहीं है, किसी से भी जुड़ सकता है, कभी पहले से, कभी चौथे से, और फिर पहले से, फिर दूसरे से, फिर पहले से, या तो पहले से ही बार 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 जुड़ सकता है एक से भी, ऐसे क्रमशः का मतलब है कभी भी किसी से अनियमित रूप से, कोई नियम नहीं है उसमें, जैसी जैसी इच्छा होती है आत्मा की उसके अनुसार जुड़ता रहेगा, लेकिन उसको भी क्रमशः ही कहा जाएगा। तो यहाँ क्रमशः का मतलब है एक साथ ना होना। तो यहाँ ऐसा जब विभू होता है तो तत्र क्रम वृत्तित्व अभाव, जब इस क्रम वृत्ति का अभाव होगा तो अयुक्पत ग्रहण अनुपपत्ति ही, जो अलग अलग ग्रहण है, अयुक्पत, युक्पत मतलब एक साथ, अयुक्पत मतलब अलग अलग जो ग्रहण हो रहा है उसकी अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी। तो अयुक्पत ग्रहण की असिद्धि होगी तो क्या होगा, युगपत ग्रहण मानना पड़ेगा, युगपत ग्रहण होने लगेगा। अयुक्पत ग्रहण नहीं हो रहा है ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, फिर युगपत ग्रहण होगा, तो अयुक्पत ग्रहण की अनुपपत्ति होगी, जबकि अयुक्पत ग्रहण स्वीकार है इनको पक्ष में, और वो उसकी असिद्धि हो जाएगी जो कि दोष बताया जा रहा है यहाँ पर। गति अभावाच प्रतिषिद्धम विभुनो अंतःकरण से अयुक्पत ग्रहणम, अल्प विराम, विभुनो अंतःकरण से, विभु अंतःकरण के गति का अभाव होने से प्रतिषिद्धम
अयुगपत ग्रहणम, जो अयुगपत ग्रहण है, अलग अलग ग्रहण है, वो प्रतिषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा वो न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, और वो किसी और प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, अन्य प्रमाण से, अन्य लक्षण से भी वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, लिंगांतरण से वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कैसे? उसके लिए एक उदाहरण दिया, यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्य काल ग्रहणात् पाणी चंद्रमसोर व्यवधानेन प्रतिघाते सानुमीयते इति, पूर्ण विराम। ये चक्षु की गति को मानते हुए एक प्रश्न कर रहे हैं कि चक्षुषोः गति प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति यानी प्राप्ति, चक्षु की विषयों के प्रति प्राप्ति यानी वो चक्षु रश्मियों वाली प्राप्ति, वो प्रतिषिद्ध हो जाती है, खंडित हो जाती है। कैसे? सन्निकृष्ट यानी निकट के, विप्रकृष्ट मतलब दूर की वस्तुओं के तुल्य काल ग्रहणा, समान काल में ग्रहण होने से। जिस पक्ष में ये मानते हैं कि नेत्र से रश्मि निकलती है और वस्तु तक जाती है और वस्तु से टकरा करके वस्तु को प्राप्त करके वापस आती है, तब हमारे को रूप ग्रहण होता है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? निकट की वस्तु के ज्ञान में कम काल लगना चाहिए और दूर की वस्तु के ज्ञान में अधिक काल लगना चाहिए। ठीक है, काल का भेद आना ही चाहिए ना, युक्ति है। हमने पहले भी जब चर्चा की थी तब ये भी एक हेतु था चक्षु रश्मि के खंडन का, तो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट यो तुल्य काल ग्रहणात्, चाहे नजदीक की वस्तु हो चाहे दूर की, उस वो तुल्य काल में हमें दिखाई देती है। पास का व्यक्ति भी और दूर का पर्वत भी, जैसे ही हम आंख खोलेंगे तो जितनी शीघ्रता से नजदीक की वस्तु हमारे को दिखाई देती है उतनी ही शीघ्रता से दूर की वस्तु भी दिखाई देती है, और उसमें हम दूर की वस्तुओं में सूर्य और चंद्रमा, इन दूर की वस्तुओं को ले सकते हैं, और जो तारे हैं बहुत दूर हैं उनको भी ले सकते हैं। अब प्रकाश की गति से वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, यदि यहाँ से चक्षु रश्मि निकले, वहाँ जाए और उनको प्राप्त हो करके फिर लौट करके आए तो हमारे को कितने साल बाद में ज्ञान होगा उनका तारों का, हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, हमारा जीवन तो कुछ सालों का है, कुछ दशकों का है, 100 साल जी लिया, उससे दूर कहे तो फिर तो व्यर्थ ही हो जाएगी, यानी हम देख ही नहीं सकते। लेकिन उन चीज़ों को भी हम उसी समय देखते हैं, जैसे ही हमने आँख खोली हमारे को वो चीज़ें उसी समय दिखाई देती हैं। तो सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट वस्तुओं के तुल्यकाल ग्रहण वाला होने से, मतलब उसी समय समान काल है, जितना काल नजदीक की वस्तु के देखने में लगता है उतना ही काल दूर की वस्तु के देखने लगता है, इससे चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा, चक्षु की रश्मि की गति खंडित होती है। ठीक है, हालांकि इसको खंडित नहीं कर रहे हैं पूरी तरह, उसको सिद्ध करेंगे अब दूसरे माध्यम से, अब वो उचित है अनुचित है वो तो आगे की बात है, लेकिन इस तरह से खंडित होती है ना, क्योंकि युक्ति तो यही है कि समय लगना चाहिए उसमें, लेकिन समय नहीं लगता है, तो बोले वो खंडित होती हुई, लेकिन फिर भी ये चक्षु रश्मि को क्यों मानते हैं? उसके कहा आगे कि पाणी चंद्रमसोर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते, हाथ और चंद्रमा के बीच में व्यवधान आने पे, हाथ के और चंद्रमा के व्यवधान से प्रतिघात होने पर वह अनुमित होती है। वो क्या अनुमान है? पीछे भी उन्होंने चक्षु रश्मि के अनुमान का यही हेतु बताया था कि बीच में जब हम कोई चीज ले आते हैं तो सामने की वस्तु हमारे को दिखाई नहीं देती है, तो इससे पता लगता है कि चक्षु रश्मि है। अब ये था व्यभिचारी, वैसे तो चक्षु रश्मि यहाँ से निकल के जा रही है उसका भी चिन्ह है ये, और उधर से रश्मि आ रही है तो उसका भी है, लेकिन ये घट तो दोनों में सकता है, तो उन्होंने चक्षु रश्मि के संदर्भ में घटाया था। इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि यदि इंद्रियां यहाँ से जा करके ग्रहण कर रही हों तब तो काल का भेद हो जाएगा, लेकिन काल का भेद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चक्षु रश्मियाँ हैं ये कैसे पता लग रहा है? बोले इस व्यवधान से पता लग रहा है,
इन दोनों चीजों को मिलाएं तो कहां पर जानी चाहिए चक्षु रश्मियां, कहां लगनी चाहिए? वहां से टकरा करके अगर चक्षु संबंधी रश्मियां आ रही हैं वहां पर ये संगत लगता है। काल का भी भेद नहीं है और व्यवधान भी है कि पता लगता है कि यहां कुछ आ जा रहा है, तभी तो हमारे को ग्रहण हो रहा है। तो यहां तो ये जिस तरह से प्रस्तुत करें कि अगर ये प्रतिषिद्ध हो भी गई है तो भी अन्य प्रमाण चूंकि मिल रहा है ये व्यवधान वाला तो भी हम उसको मान लेते हैं, ऐसे ही यहां पर विभू अंतःकरण की गति का अभाव प्रतिषिद्ध होने पर भी अयुगपत जो ग्रहण है वो अयुगपत ग्रहण अन्य किसी लिंग से प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, उसको और किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। न लिंगांतरेण अनुमीयते, चक्षु की गति वाले प्रसंग में तो ये लिंगांतर से सिद्ध कर रहे हैं और अयुगपत ग्रहण के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये और किसी लिंग से सिद्ध नहीं होता है। जैसे चक्षु रश्मि की गति एक तरफ से खंडित होते हुए भी लिंगांतर से सिद्ध हो रही थी, ऐसे यहाँ पर नहीं हो पाती है, इस तरह से उदाहरण दे रहे हैं। फिर से पंक्ति देखिए, गति अभावाच प्रतिषिद्धम विभुनो अंतःकरणस्य अयुगपत ग्रहणम न लिंगांतरेण अनुमीयते, ये जो अयुगपत ग्रहण है ये लिंगांतर से अनुमित नहीं होता है। जैसे कि चक्षु की रश्मि प्रतिषिद्ध होते हुए भी कैसे प्रतिषिद्ध होगी, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट वस्तुओं के समान काल में ग्रहण से जो खंडित हो गई है वो पाणी चंद्र मसौर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते। आगे कहते हैं सो अयम अंतःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे, तो बोलिए अंतःकरण स्वयं न अंतःकरणे विवादो, ये जो विवाद चल रहा है ये न तो अंतःकरण के बारे में विवाद है कि वो होता है नहीं होता है, न तस्य नित्यत्व, न उसके नित्यत्व में विवाद है। अंतःकरण के नित्यत्व अनित्यत्व में विवाद नहीं है, क्यों? सिद्धम ही मनो अंतःकरणम नित्यम चैति, ये तो सिद्धि है कि मन अंतःकरण है और नित्य है, ये तो सिद्धि है, इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं चल रही है कि वो नित्य है या अनित्य है। तो कोतर ही विवाद है, तो फिर विवाद क्या है? तो तस्य विभुत्वे, अंतःकरण के विभुत्व में विवाद है, वो विभु है या एक देशी है, अणु है या महात्मा परिमाण वाले, तस्य विभुत्वे तच्च प्रमाण तो अनुपलब्धे है प्रतिषिद्धमिति, और अंतःकरण का विभुत्व प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है, क्यों? क्योंकि प्रमाण से अनुपलब्ध हो रहा है, उसका विभुत्व किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो खंडित है। एकश्च अंतःकरणम नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, अंतःकरण तो एक है और ये जो ज्ञानात्मिका वृत्तियां हैं वो अनेक है। तो देखो ये वृत्तियों के लिए विशेषण दे दिया ना, ज्ञानात्मिका वृत्तयः, ज्ञानात्मिका वृत्तयः विशेषण कब देते हैं? जो संभव और व्यभिचार दोनों होना चाहिए। संभव का मतलब है वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं, हो सकती हैं, तब ज्ञानात्मिका वृत्तयः ये कहा जाएगा, और व्यभिचार भी होना चाहिए कि वृत्तियां ज्ञानात्मिका न हो, ऐसा भी होना चाहिए। यदि सभी वृत्तियां ज्ञानात्मिका हो तो संभव तो है वृत्तियों का ज्ञानात्मक ज्ञानात्मिका होना, लेकिन उनका कभी भी व्यभिचार नहीं होता है तो विशेषण नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि हम गाय के लिए कहें कि ये गाय शाकाहारी है, शाकाहारी गाय, अब इस रूप में कभी विशेषण नहीं बनेगा, मांसाहारी शेर विशेषण नहीं बनेगा। हाँ, हम प्राणियों की दृष्टि से कहना चाहते हैं कि शेर मांसाहारी प्राणी है, गाय शाकाहारी प्राणी है, ऐसा कहेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि प्राणी शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी संभव है, मांसाहारी भी संभव है, और उसका व्यभिचार भी संभव है। तो यहाँ ज्ञानात्मिका वृत्ति, एक कर्मात्मक वृत्तियां होती हैं जो कि कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई होती हैं, मन में दोनों तरह की वृत्तियां होती हैं। जब आत्मा से मन को प्रेरणा होती है कि इस इंद्रिय को सक्रिय करो, ऐसे में जो मन में वृत्ति होती है, व्यापार होता है, वो ज्ञानात्मक नहीं, वो क्रियात्मक व्यापार होता है। और जब विषयों का ग्रहण हम कर रहे होते हैं बाहर से, विषय इंद्रिय से जुड़ा, इंद्रिय से फिर वो मन पे पहुंचा और मन से आत्मा में गया, तो इंद्रिय से मन में पहुंचना, मन से आत्मा में जाना, आत्मा तक पहुंचाना, इस समय जो मन में क्रिया होगी, व्यापार होगा, वृत्ति होगी, वो वृत्ति कौन सी है? वो ज्ञानात्मक वृत्ति है। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा ये ज्ञानात्मक वृत्ति की चर्चा चल रही है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि की चर्चा है।
और योग दर्शन में जो वृत्तियां रोकने की बात है वो ज्ञानात्मक वृत्तियों की ही बात है, क्योंकि सारी वृत्तियों का स्वरूप वहां पर ज्ञानात्मक वृत्ति का ही है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियों की बात है, सभी क्रियात्मक वृत्तियों के लिए नहीं। हालांकि हम वहां पर भी स्थिर बैठ जाते हैं, करते हैं, और क्रिया के साथ साथ ज्ञान भी होता रहता है, दोनों जुड़े हुए हैं, और वहां जो कथन है सारा ज्ञानात्मक वृत्तियों का है, क्योंकि वृत्तियों का जितना स्वरूप है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, वो ये सारे के सारे ज्ञानात्मक ही है। तो इन्होंने कहा एकश्च अंतःकरणम्, अंतःकरण एक है, नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्त है, और जो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं वो बहुत सारी हैं, उसको खोल के बता रहे हैं। जैसे चक्षुर्विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, चक्षु का ज्ञान, घ्राण का ज्ञान, चक्षु से संबंधित ज्ञान, घ्राण से संबंधित ज्ञान, चक्षु से होने वाला ज्ञान, घ्राण से होने वाला ज्ञान, ये इंद्रिय पर कथन हुआ। आगे कहा रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, ये गुण पर कथन हुआ। इंद्रिय को कहते हुए भी कथन कर रहे हैं, वो भी विज्ञान है। नेत्र से होने वाला ज्ञान और कहें रूप का ज्ञान, तो नेत्र से होने वाला ज्ञान भी होता तो रूप का ही है, लेकिन कथन इंद्रिय परक हो रहा है। चक्षुर विज्ञानम और यहां पर है रूप विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, गंध विज्ञानम, और इसको चक्षु का ज्ञान, चक्षु को देखना, चक्षु से संबंधित ज्ञान ऐसा भी कह सकते हैं, घ्राण का ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ए तच्च, ये जो हैं, ये जो ज्ञानात्मिक का वृत्तियां हैं, ये वृत्ति वृत्ति मतोर एकत्वे अनुपपन्नमिति, यदि वृत्ति और वृत्तिमान को एक ही मानेंगे तो ये जो कथन है ये सारे अनुपन्न हो जाएंगे। ज्ञानात्मक वृत्तियां जो अनेक हैं ये भी अनुपन्न होंगी, चक्षुर विज्ञानम, रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, ये जो कथन है ये भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, वो तो सब फिर एक ही जैसे होंगे। तो ये तच्च वृत्ति वृत्ति मतोर एकत्वे अनुपपन्नमिति, तो यहाँ पर इनका क्या कहना हुआ, वृत्ति और वृत्तिमान ये अलग अलग हैं। यहाँ पर आगे पुरुषो जानिते न अंतकरणमिति, और यहाँ पर जानने वाला पुरुष है, अंतकरण नहीं जानता है, ये भी दृष्टि में भेद है, इसी में भी विवाद है। क्योंकि जब अंतकरण को चेतन या ज्ञान वाला मानेंगे तो इसका मतलब है कि अंतकरण जानने वाला हुआ, ये कथन हो जाएगा। आत्मा को भी माने या न माने, लेकिन सिद्धांत पक्ष क्या है, पुरुषो जानिते न अंतकरणमिति, पुरुष ही जानता है अंतकरण नहीं जानता है। एतेना, इससे, इससे किससे, ये जो पीछे कथन का किया पुरुषो जानिते न अंतकरणमिति, ये जो पीछे सिद्धांत का, इससे विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त, विषयांतर का व्यासंग, विषयांतर में लगना प्रत्युक्त यानी खंडित कर दिया गया। पीछे बात आई थी ना कि विषयांतर हो जाता है, एक समय में एक ज्ञान होता है, फिर विषयांतर होने से वो ज्ञान बदल जाता है, तो विषयांतर तो व्यासक तो होता ही है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात कहना चाह रहे हैं कि इससे विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त, यहाँ मनसह का अध्ययन करेंगे। मनसह विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त है, मन का दूसरे विषय में लग जाना ये खंडित होता है, मन दूसरे विषय में नहीं लगता है, क्योंकि पुरुष जानता है अंतकरण तो जानता ही नहीं है। अब चूंकि अंतकरण जानता नहीं है इसलिए अंतकरण दूसरे विषय में लग ही नहीं सकता है, तो अंतकरण का मन का विषयांतर में व्यासंग खंडित कर रहे हैं, कैसे अभी और आगे स्पष्ट होगा। विषयांतर ग्रहण लक्षणों, ग्रहण लक्षणों कर लीजिए इसको, यानी लक्षण है ये, यहां पर लक्षण ही लिखा हुआ है, आ की मात्रा जोड़ लीजिए। विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतःकरणस्य, विषयांतर का जो व्यासंग है, विषयांतर में जो लगना है वो पुरुष का होता है, अंतःकरण का नहीं होता है। ये विषयांतर में व्यासंग कैसे पता लगता है, तो उन्होंने कहा विषयांतर ग्रहण लक्षण, विषयांतर के ज्ञान का होना इसी लक्षण वाला विषयांतर व्यासंग होता है, कि हमें हमारा हम दूसरे विषय में लगे हुए हैं इसका पता कैसे लगता है, क्योंकि दूसरे विषय का ज्ञान हो रहा होता है, इधर देख रहे हैं तो इसका ज्ञान हो रहा है, अब कहे कि मैं इधर देख रहा हूँ कैसे पता लग रहा है, क्योंकि मैं इसका ज्ञान कर रहा हूँ और इधर देख रहा हूँ तो अब इधर का ज्ञान हो रहा है,
तो मैं इधर लगा हुआ हूं ये कैसे पता लगता है, क्योंकि इधर का ज्ञान हो रहा है। हम कहीं दूसरी जगह खड़े हुए हों अलग अलग दूर दूर, और दूसरे को कह रहे हों कि भाई इधर देख, वो कह रहे हैं कि जी मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है सामने। किसी को मिलने के लिए जाते हैं ना, जब ढूंढ रहे होते हैं वो इधर है, तो बोले नहीं, अब उसने कहा कि मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, हमें ये नहीं पता है कि उसका मुख कहाँ पर है, लेकिन हम और ना वो हमें दिखाई दे रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है जी आसपास में ही है, मतलब कहीं जी चौराहे पे, वो कह जी मेरे सामने तो एक बड़ा भवन है। अब वो देख रहा है कि भाई ये कहाँ है भवन, बोले इधर, बोले इधर तो भवन नहीं दिख रहा है, फिर यूँ देखता है, अच्छा वो रहा भवन। तो हमें पता लग जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ है और किधर देख रहा होगा। हम यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़ा हुआ है, और वो सामने वाले भवन को देख रहा है। उसने कहा कि मैं भवन को देख रहा हूँ, तो हमें पता लग जाता है ना कि उसका मुख किधर होगा, क्योंकि जिधर मुख होगा उधर ही तो देखेगा, दूसरी तरफ तो देख ही नहीं सकता है। और तब हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा अपने पीछे देखो, अब क्योंकि हम उसके पीछे खड़े हुए हैं, हम कहते हैं कि उधर नहीं इधर देखो, अभी आपका मुख उधर है। तो हमारा व्यासंग कहाँ है ये कैसे पता लगता है, कि हम जिसको जान रहे होते हैं। तो विषय ग्रहण लक्षण वाला, विषय का ग्रहण, विषय का ज्ञान ही जिसका चिन्ह है, बताने वाला है कि हमारा मन किधर है। जिस विषय का ज्ञान हो रहा होगा मन वहीं पर ही लगा हुआ होगा, मन या तो कोई भी आत्मा, या तो आत्मा का कह रहे हैं, हम वहीं लगे हुए होंगे, जहां हम लगे हुए होंगे वहां का ज्ञान हो रहा होगा। तो विषय अंतर ग्रहण लक्षणों, कि हम जब दूसरे विषय का ज्ञान कर रहे होंगे तो विषयांतर में व्यासंग होता है, ये जो चीज है ये पुरुष का होता है, अंतःकरण का नहीं होता है। पीछे जो विषयांतर में ग्रहण की बात आ रही थी, विषयांतर में लगने की बात आ रही थी, तो बोले ये अंतःकरण का नहीं होता, ये आत्मा का होता है। कैसे पता लगा था, किसके आधार पर, क्योंकि पुरुष ही जानता है, अंतःकरण तो जानता ही नहीं है। तब इस आधार पर ये जो कथन आता है कि मेरा मन वहां लग गया, मन वहां चला गया, बोले मन तो उधर जा ही नहीं सकता। स्वामी सत्यपति जी इस बात को बहुत बोलते हैं उनके मन को एकाग्र करने के उपायों में, एक उपाय उनका ये मुख्य कथन है कि हम ये सोचते हैं कि मेरा मन चला गया, मेरा मन वहां लग गया, और मन नहीं लगा, हम लगे हैं उधर, हम कौन, आत्मा, मैं लगा हूं, मन नहीं गया, मन तो आत्मा के अनुसार चलता है, मन तो जड़ है, वो कैसे जाएगा, मन में इच्छा होगी क्या कि मैं उधर जाऊं, इच्छा मतलब ज्ञान पूर्वक, वैसे तो इच्छा गुण मन का है, आत्मा का भी है और मन के माध्यम से करता है, मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, ये सब हम कथन करते हैं, लेकिन वो इच्छा मन की अपनी है या आत्मा की है। मन क्यों किसी एक विशेष इंद्रिय से जुड़ रहा है, उसका अपना तो बोध ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, वो किस आधार पर निर्णय करेगा कि मैं इस इंद्रिय से जुड़ूं, अब इस इंद्रिय से नहीं जुड़ूं। तो उस दृष्टि से यहां पर कथन किया जा रहा है कि जो विषयांतर में व्यासंग होना है ये आत्मा का होता है, मन का नहीं होता है। लेकिन पहले जो हम समझ रहे थे वो यही था ना कि मन अलग अलग जगह विषयों में लग जाता है, इंद्रियों में लग जाता है, तो मन का भी व्यासंग होता है। वो कैसा व्यासंग है वो स्पष्ट करके आगे बता रहे हैं, केनचित इंद्रियेण सन्निधि केनचित असन्निधि इति अयम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनसेति। मन का किसी इंद्रिय से जुड़ना, सन्निधि निकटता, और किसी इंद्रिय से न जुड़ना, ये जो इस तरह का व्यासंग है ये तो मन का होगा। मन कभी किसी इंद्रिय से जुड़ा है, कभी किसी इंद्रिय से जुड़ा है, कभी इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इस रूप में जो सन्निधि यानी व्यासंग संयोग है ये तो मन का होगा, लेकिन किसी विषय में जो इच्छा पूर्वक लग जाना होता है ये मन का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो हम जब भी किसी दूसरे विषय में जाते हैं और हमें लगता है कि मन उधर जा रहा है, तो ये हम उसके भेजने वाले हम होते हैं, आत्मा होती है, मन अपने आप में नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि मन जड़ है, आत्मा चेतन है। तो फिर से देखिए पंक्ति, विषयांतर विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतःकरणस्य, और केनचित इंद्रिय न सन्निधि केनचित असन्निधि इति अयम तु व्यासंग। अगर व्यासंग का स्वरूप हम ये लगाएं, किसी इंद्रिय से संयोग, किसी इंद्रिय से संयोग न होना, ये तो मन का अनुज्ञायते, ये तो हम स्वीकार करते हैं कि मन का ये व्यासंग तो होता है। तो मन के व्यासंग का जब कथन आएगा तो केवल भौतिक रूप से, भौतिक ना कहें, जड़ रूप से उसका जुड़ना न जुड़ना इंद्रियों से, बस यही उसका अर्थ लेना चाहिए।
अपनी इच्छा से कहीं चला गया ऐसा कभी भी अर्थ नहीं लेना चाहिए, वो तो पुरुष का ही होगा, चेतन का ही होगा। आगे नवें सूत्र की भूमिका है एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति। अब इनका सिद्धांत पक्ष क्या बना हुआ है, अंतःकरण एक है और वृत्तियां अनेक हैं। इति यहाँ अल्प विराम ले लीजिए। सती अभेद वृत्तेः इदम् उच्यते। यद्यपि ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन सती अभेद वृत्ते, इनमें अभेद का वृत्ति व्यापार ज्ञान मानते हुए अभेद वृत्ते इदम उच्यते। अब ये जो आगे वाली बात कही जा रही है, पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है, उसको उसमें अभेद मान करके ये कथन कर रहा है कि सिद्धांती अंतःकरण को तो एक मान रहा है लेकिन वृत्तियां बहुत मान रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आप वृत्तियों को अनेक मान रहे हो ये आपका ज्ञान भ्रांत है, गलत है, वास्तव में तो एक ही है। तो कैसे, उसको उदाहरण से बता रहा है पूर्व पक्षी। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमान। स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान, ज्ञान के समान, स्फटिक के भेद के कारण से। तो ये उदाहरण कैसा दे रहे हैं, स्फटिक मतलब एक स्फटिक कोई मणि है, उसका अपने आप में जो भी रंग है उसके पास में जो वस्तु लाई जाती है जिस रंग की, वो उसी रंग का हो जाता है, ऐसे गुण वाला जो स्फटिक है। तो उसके पास में यदि हरा पत्ता लाए तो वो हरे रंग का हो जाएगा, और गुलाबी पुष्प लाए या सफ़ेद पुष्प लाए तो वो गुलाबी या सफ़ेद हो जाएगा। तो ऐसे में कोई ये कह सकता है ना कि स्फटिक तो अलग अलग हो रहा है, स्फटिक में सन्निधि के कारण से अलग अलग वस्तुओं के रंग, अलग अलग रंग वाली वस्तुओं के पास में आने से उसका स्वरूप रंग अलग अलग बदल रहा है। तो बोले वहाँ एक होते हुए भी, यानी अभेद होते हुए भी भेद के दर्शन हो रहे हैं, नानात्व के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे ही वृत्तियों के भी नानात्व के दर्शन केवल हो रहे हैं, वास्तव में तो वृत्तियाँ, वृत्ति जो है वो एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा ये प्रतिपादित कर रहा है। तो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, स्फटिक की भिन्नता के ज्ञान के समान, अभिमान मतलब ज्ञान, तद अन्यत्व अभिमान, तत् का मतलब है वृत्ति के अन्यत्व का अभिमान हो रहा है कि वृत्तियां अलग अलग हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है, ये पूर्व पक्षी ने रखा। भाष्य में कहा तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमान, अल्प विराम, उस वृत्ति में नानात्व का ज्ञान होता है। तो तस्याम वृत्तौ ये एक वचन है, यानी एक वृत्ति में नानात्व का ज्ञान होता है। यथा द्रव्यांतरोप हिते स्फटिके, जब जैसे भिन्न द्रव्य के पास में आने पर स्फटिक में, स्फटिक के पास में जब द्रव्यांतर आता है तो द्रव्यांतरोप हिते स्फटिके अन्यत्वाभिमानो, उसमें अन्यत्व का अभिमान होता है कि ये भिन्न स्फटिक हो गया है। कैसे, नीलो लोहिता इति, नीले रंग का या लाल रंग का, इति एवं विषयांतरोपाधानादिति, इसी प्रकार से विषयांतर का उपाधान होने से, उपधान होने से, विषयांतर का उपधान यानी इंद्रियों के साथ में अलग अलग विषयों के आने पे ऐसा लगता है कि जैसे वृत्तियां अलग अलग हैं, वास्तव में तो वृत्ति एक ही है, ऐसा इसका प्रतिपादन है। तो इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति कहता है न हेतु अभावात, ये कथन आपका ठीक नहीं है क्योंकि इसमें हेतु नहीं है। कैसे नहीं है हेतु, उसको आगे बता रहे हैं। तो पहले तो पूर्व पक्षी के वचन को बोल रहे हैं, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवद अयम ज्ञानेशु नानत्व अभिमानो गौणो, कि आपने ये कहा था कि स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान ज्ञान में भी जो नानत्व का अभिमान है ये गौण है, वास्तविक नहीं है। जैसे स्फटिक अलग अलग रंग वाली दिखते हुए अलग अलग नहीं हो जाती है, उनको उस स्फटिक को जो हम अलग अलग देख रहे हैं वो गौण प्रयोग है, वास्तव में तो एक ही है। ऐसे ही वृत्तियां ये अलग अलग दिखाई दे रही हैं लेकिन वास्तव में एक ही है, ये इसका कथन हुआ, एक बात हुई। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, स्फटिक से लेकर के गौणों तक। तो बोले ये न पुनः, ऐसा क्यों नहीं मान लेते, एक तो सिद्धांति को कहा था पूर्व पक्षी ने कि स्फटिक के समान ये ऐसा है, तो सिद्धांती कह रहा है कि ये जो आपने कहा स्फटिक के समान ये है तो इसकी बजाय ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो, क्या न पुनर ऐसा क्यों नहीं, कि गंधा आदि अन्यत्वाभिमानवत इति, अल्प विराम, गंध आदि के अन्यत्व के ज्ञान के समान। गंधादि मतलब यहां पर हो गया
गंध रस रूप स्पर्श आदि जो पांच विषय हैं, जैसे ये अलग अलग होते हुए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो बोले इसके समान क्यों नहीं होंगे? स्फटिक के नानात्व दिखने के समान वृत्तियों का नानात्व है, या गंधादि विषयों के नानात्व के समान वृत्तियों का नानात्व है? ये क्यों ऐसे क्यों नहीं मान लेते हो आप? सिद्धांत इस ढंग से बात को क्यों रख रहा है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने स्फटिक का अन्यत्व अभिमान वत इतना दे करके, उदाहरण दे करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहा, कोई हेतु तो दिया नहीं। ये इसके समान होता है भाई, इसके समान होता है तो बोले गंधादि के समान क्यों नहीं होता? उदाहरण तो वो भी मिल रहा है, गंधादि विषय अलग अलग प्रतीत होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रतीत होते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? उदाहरण तो दोनों तरह के मिल सकते हैं, एक होते हुए अनेक दिखाई देना और अनेक होते हुए अनेक दिखाई देना, दोनों तरह के उदाहरण मिल रहे हैं, तो उसी तरह क्यों कि एक होते हुए अनेक दिखाई देने के समान कैसे मान लिया आपने इसको? अनेक होते हुए अनेक दिखाई देने के समान क्यों नहीं मान रहे हो आप इसको? इसमें तो कोई आपने हेतु नहीं दिया, हेतु का अभाव है, इसलिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। तो न पुनः, ऐसा क्यों नहीं कि गंधादि अन्यत्व अभिमानवत इति, अल्प विराम, कहते हैं हेतुर्नास्ति, इसमें कोई हेतु नहीं है आपके, हेतुर्नास्ति, फिर अल्प विराम, और हेतु अभावात अनुपपन्ना इति, और हेतु का अभाव होने से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, आपने केवल दृष्टांत दिया है। तो जो ऊपर वार्तिक था ना, न हेतु अभावात, उसको खोल दिया। अब ऐसे में यदि पूर्व पक्षी कहे कि समानो हेतु अभाव इति चेत, बोले हेतु का अभाव तो दोनों में समान है, आपने गंधादि के समान बोल दिया, उसमें भी कोई, तो गंधादि के समान है ये क्यों माने? स्फटिक के समान नहीं मानेंगे, हेतु का अभाव है, तो गंधादि के समान कैसे माने? उसमें भी तो हेतु नहीं है। बोले हेतु का अभाव तो दोनों में समान है, इसलिए इससे आप ये सोचो कि मेरा पक्ष तो खंडित हो गया, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है मेरा पक्ष तो खंडित हो गया और आपका सिद्धांति का पक्ष सिद्ध हो गया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हेतु का अभाव तो समान है दोनों, इसलिए कोई भी पक्ष सिद्ध नहीं होगा। तो समानो हेतु अभाव इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है न, अल्प विराम, ऐसा नहीं है, हेतु है हमारे पास में। ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, ज्ञान के क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होने और नष्ट होने के देखे जाने से, चूंकि वो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं इसे पता लगता है कि अनेक है, तो ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, खुल रहे हैं इसको, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते, इंद्रियों में, इंद्रियार्थों में यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्रमशः एक के बाद एक होता है। उपजायन्ते च अपयन्ति च इति, और वो क्रमशः ही हटते भी हैं, हट जाते हैं, ये देखा जाता है। तस्मात् गंधादि अन्यत्व अभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानः, इसलिए गंधादि की भिन्नता के ज्ञान के समान, जैसे गंधादि अनेक होते हैं और अनेक ही ज्ञान होता है, यह अभिमान का मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है, भ्रांति नहीं है, अभिमान का मतलब ज्ञान ही है बस। प्राय करके जब ज्ञान अभिमान शब्द बोलते हैं ना कि बोले ये तो आपको इसका अभिमान हो रहा है, वो गर्व वाला अभिमान नहीं, ये मिथ्या ज्ञान की तरह से, स्थाणु में पुरुष का अभिमान हो रहा है, स्थाणु को आप पुरुष के रूप में देख रहे हो, तो वो अभिमान शब्द भ्रांत ज्ञान के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो ये प्रयोग किया जा रहा है अभिमान, ये मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं है, ये सत्य ज्ञान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ अभिमान का मतलब केवल ज्ञान है। इसलिए गंधादि के अन्यत्व के ज्ञान के समान ये ज्ञानों में जो नानात्व का ज्ञान है वो भी वैसा ही माना जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वृत्तियों का यानी ज्ञान का अनित्यत्व है। बीच में जो अंतःकरण की बात आ गई थी उसमें उन्होंने कह दिया कि अंतःकरण के बारे में तो विवाद ही नहीं है, वो तो नित्य है और एक है, प्रसंग तो ज्ञान का चल रहा था, प्रसंग तो वृत्ति का चल रहा था कि वो नित्य है या अनित्य, बुद्धि का चल रहा था कि वो नित्य है या अनित्य है, अंतःकरण रूप बुद्धि की तो बात ही नहीं थी, वो तो एक है, अणु है, एकदेशी है और नित्य है, दीर्घकाल स्थायी है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। इस प्रकार ये प्रकरण समाप्त हुआ। तो ज्ञान अनित्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इति नवभि सूत्रैर बुद्धि अनित्यता प्रकरणम्, बुद्धि के अनित्यता का प्रकरण यहां पर समाप्त होता है।
अब पीछे जो स्फटिक वाला उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, उसको लेकर के एक अन्य व्यक्ति और चर्चा चला रहे, प्रसंगवशात एक और दार्शनिक प्रवाद को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उसके संबंध में चर्चा चल रही है। हाँ ओपाचार्य जी, ज्ञान और ज्ञान की स्मृति अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। ज्ञान की जो स्मृति है वो भी ज्ञानात्मक ही होती है वैसे तो, क्योंकि स्मृति भी ज्ञानात्मक वृत्ति है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। किस रूप में? आप जैसे कथन करें ना, ज्ञान और ज्ञान की स्मृति, मैं अभी मैंने ये जाना कि आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, तो आपको ज्ञान हो रहा है, मेरे को भी ज्ञान हुआ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो हो गया ज्ञान। अभी इसमें स्मृति नहीं है, ये तो सीधे सीधे हो रहा है। अब एक घंटे बाद में या अगले दिन कभी भी भविष्य में हम इसी को फिर से स्मरण करते हैं, तो ये ज्ञान की स्मृति हुई ना। ये जो घटना हुई थी ये हमारे पास ज्ञान के रूप में ही है। वो जो और एक तो है कि मैं इस घटना को स्मरण करूं, आप करें कि भाई ऐसे प्रश्न पूछा था, ऐसे उत्तर दिया गया उसको, और एक है कि उस जिस समय ये प्रश्न किया जा रहा था उस समय मेरे को ज्ञान हो रहा था और मेरे को उसका ज्ञान है, हम ये स्मरण करते हैं कि मुझे वो ज्ञान है। दूसरा, इसको और दूसरे ढंग से देख सकते हैं, मेरे को इसका ज्ञान था, पहले मेरे को इसका ज्ञान था अब नहीं है, अब ये जो हम स्मरण कर रहे हैं, मेरे को इसका ज्ञान था, मेरे को इसके नाम का पता था, मेरे को पता था कि इसने कितने रुपए लिए हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, मेरे को इसके घर का पता ज्ञात था, अब ये जो स्मरण आ रहा है ये उस ज्ञान का स्मरण आ रहा है, हमारे को उसके घर का पता था, नाम का पता था, ये ज्ञान था, और अभी हमारे को स्मरण आ रहा है केवल इतना कि ज्ञान था, वो ज्ञान नहीं आ रहा है अभी। कभी स्मरण ऐसा भी होता है कि पहले ज्ञान था और अभी भी आ रहा है मेरे को कि हाँ इसका ये घर का पता है, ये इसका नाम है, ये भी ज्ञान का है। लेकिन थोड़ा उसमें भिन्नता करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्ञान था, अभी नहीं हो रहा है ज्ञान, उस ज्ञान की स्मृति तो आ रही है हमारे को लेकिन वो ज्ञान नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। ओम आचार्य जी, ये इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है तो ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है और फिर स्मृति उसकी ज्ञान की रहती है, ऐसा माने? स्मृति तो बाद में आएगी, आप ज्ञान जिस समय हो रहा है उसको तो कहिए वृत्ति, ठीक है, जिस समय ज्ञान हो रहा है और उससे संस्कार पड़ गया और उस संस्कार से फिर जब वृत्ति आएगी उसको हम स्मृति कहते हैं, उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं, संस्कार को नहीं कहते, लेकिन हाँ मोटे तौर पे कह देते हैं कि भाई ये शब्द संस्कार के रूप में इसकी स्मृति है। तो जिस समय ज्ञान हो रहा है, पहले ज्ञान हुआ वो वृत्ति थी, मान लो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति थी और उसका संस्कार पड़ गया, हम कह देते हैं मोटी भाषा में कि वो अब उसकी स्मृति में चला गया, वो स्मृति में जाता जाता है, वो संस्कार परक अर्थ कहते हैं। लेकिन वास्तव में स्मृति क्या कहते हैं, उस संस्कार से जब पुनः वृत्ति उठेगी, फिर से जब वो याद आएगा उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। ठीक है। हाँ, वो भी ज्ञानात्मक ही है, तो बीच में एक संस्कार को और मानते हैं। ज्ञान तो जिस समय जान रहे हैं बस समाप्त, अभी कहाँ है। अब जैसे कि मैं इस लेखनी को जानूं, ये सामने है, तो इस लेखनी से संबंधित मेरा ज्ञान लगातार बना हुआ है, नष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? लगातार बना हुआ है ना, नष्ट तो तब वो मानेंगे जब मेरे को पता ही नहीं रहे कि ये लेखनी है क्या है, मैंने हाथ में क्या पकड़ रखा था यही मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी लगातार बना है ना, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन हर क्षण हमें नया ज्ञान हो रहा होता है। योग दर्शन में इस प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरह बताया व्यास भाष्य में कि ये जो अभी ज्ञान हो रहा है, अभी इस क्षण मेरे को इसका ज्ञान हुआ, अगले क्षण जो इसका ज्ञान हो रहा है वो नया ज्ञान है, फिर अगले क्षण जो ज्ञान हो रहा है वो नया ज्ञान है। तो एक मिनट भी हम जब किसी एक वस्तु को लगातार देखते हैं
मोटे तौर पे लगता है कि हम एक ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन वास्तव में हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है, क्योंकि देखते देखते जैसे ही आंख बंद की है, जैसे ही अंधेरा हुआ या जैसे ही वस्तु हटी, हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है उसका। वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ये ज्ञान उसी समय समाप्त हो गया। अब दूसरी चीज आ गई, दूसरी दिख, ये दिख रहा है वो आ गया, तो दूसरी वस्तु दिखने लगेगी, इसका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अब ये ज्ञान का समाप्त का मतलब है ये जो ज्ञान हो रहा है। लेकिन अगर आप स्मृति वाले को भी लेंगे तो हाँ, स्मृति के रूप में तो है वो अभी भी, संस्कार के रूप में है वो, फिर आएगा स्मृति के रूप में कि हाँ मैं इसको देख रहा था। तो वास्तव में ये जो ज्ञान हो रहा होता है, जिस समय हमें ज्ञान हो रहा है इस क्षण, अगले क्षण में जो ज्ञान हो रहा है वो नया ज्ञान है, तो जो पिछले क्षण हो रहा था वो कहाँ गया? पिछले क्षण जो ज्ञान हो रहा था वो कहाँ गया? स्मृति में चला गया, लेकिन ज्ञान के रूप में तो नहीं रहा ना अभी। फिर अगले क्षण हम जान रहे हैं, फिर अगले क्षण हम जान रहे हैं, तो जिस क्षण हम जान रहे हैं उस समय में इस वस्तु का ज्ञान हमारे को हो रहा है, प्रतीति हो रहा है कि लगातार बना हुआ है इसी वस्तु का ज्ञान, लेकिन वास्तव में यह हर बार नया ज्ञान हो रहा है, हर क्षण नया हम देख रहे हैं इसको, नया 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 ज्ञान हो रहा है। और जब नया ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब पिछला नहीं है, वो स्मृति में गया वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान जो बोध है वो तो उसी समय होता है बस, उसके बाद में नहीं रहता है वो। क्षणभंगुर देखिए तो अनित्य कह रहे हैं उसको, ये जो ज्ञान बुद्धि गुण है ये अनित्य है। अच्छा, अब आप स्मृति को ले लीजिए, वैसे तो वो इकट्ठा हो गया और अब हम उसको याद कर रहे हैं, अभी हम याद कर रहे हैं किसी को। अब जिस समय हम याद कर रहे होते हैं उस समय भी ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान लगातार बना रहता है? हम किसी व्यक्ति वस्तु को लंबे काल तक ज्ञान में रख सकते हैं ना, स्मरण में रख सकते हैं, जैसे परमात्मा को रख ले या कोई रुपए को रख ले स्मरण में, अपने घर को रख ले, अपने माता पिता कोई और किसी भी प्रिय को रख ले अपने स्मरण में, बच्चों को रख ले, तो लगातार रख सकते हैं ना स्मरण में। पर उस समय भी वो स्मरण हर क्षण नया हो रहा होता है, लगातार नहीं, वही नहीं चल रहा होता। क्योंकि यदि हम किसी एक का स्मरण कर रहे हैं और उसी समय हम अगर दूसरे का स्मरण करने लगते हैं तो वो पहले वाला स्मरण चला जाता है ना, फिर तीसरे का स्मरण करने लगते हैं तो वो दूसरा चला जाता है। लेकिन यदि एक ही स्मरण चल रहा है लगातार, ओम ओम का ही स्मरण चल रहा है और किसी चीज का स्मरण चल रहा है एक ही का ही, एक व्यक्ति का चेहरा वो ही चल रहा है, एक स्थान एक भवन उसी वही लगातार मन में है, सामने नहीं है स्मृति में आ रहा है, वो भी हर क्षण नया नया हो रहा होता है। हमने स्मरण किया, फिर स्मरण किया, फिर स्मरण किया, बार बार हम उसको स्मरण कर रहे हैं संस्कार से, बार बार वो वृत्ति के रूप में आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि संस्कार से निकल के वृत्ति रूप में आ गया और अब ये जू का तू बना हुआ है, जैसे वस्तुएं जू की तू बनी हुई रहती हैं, ऐसा नहीं होता है, वो देर तक बना रहे, हर क्षण नया ही ज्ञान आ रहा होता है स्मृति में भी। तो चाहे प्रत्यक्ष कर रहे हो, चाहे स्मृति में कर रहे हो, और दूसरे प्रमाणों में भी, अनुमान में भी, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान, तो धुएं को देखा अग्नि का ज्ञान हो गया, अब धुआं लगातार आ रहा है 5 मिनट 10 मिनट तक, तो हमें लगातार 5-10 मिनट अग्नि का ज्ञान हो रहा है, तो ये हर क्षण नया ही तो ज्ञान हो रहा है। हर क्षण हम धुएं को नया देख रहे हैं और अग्नि का जो ज्ञान कर रहे हैं वो हर क्षण नया है, और धुआं समाप्त हुआ तो वहां ज्ञान में भी अंतर आ जाएगा, या हम धुएं को नहीं देखेंगे तो वहां अग्नि का ज्ञान नहीं हो रहा होगा, और धुएं को नहीं देख रहे हैं दूसरी तरफ चले गए और फिर भी अग्नि का ज्ञान हो रहा है, तो वो फिर अब वो स्मृति वाले क्षेत्र में चला जाएगा कि हमने धुएं को देख के अग्नि को जाना था, अब उसकी स्मृति करते हुए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर से बार बार कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से ज्ञान जो हो रहा है, बोध जो कि आत्मा का गुण है, क्योंकि ये ज्ञान गुण की जब बात कर रहे हैं तो अंतःकरण का ज्ञान तो खंडित कर रहे हैं, मन में ज्ञान नहीं, आत्मा में जो चेतन है वो क्षणिक ही होता है। ये अलग बात है कि हमारे को नया नया अलग अलग ज्ञान होता रहता है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहता है, लेकिन एक वो जो ज्ञान बोध हो रहा है वो बस उसी समय के लिए है, बाद में समाप्त हो, फिर नया नया होता रहता है।
ठीक है। तो आगे शुरू कर रहे हैं, पीछे जो स्फटिकत्व की स्फटिक के उदाहरण दिया था, स्फटिक के नानात्व के समान, तो उसमें क्या सिद्धांत निकल करके आ रहा था? यद्यपि वो पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक तो एक है लेकिन नानात्व का ज्ञान हो रहा है, वो भिन्न भिन्न है, ये ज्ञान हो रहा है, रंग लाल नीले उसके दिखाई दे रहे हैं, जैसी जैसी वस्तु पास में आ रही है उसके अनुसार। तो क्या सिद्धांत था उसका पूर्व पक्षी का कि स्फटिक तो एक है लेकिन भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब वो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक एक है, उसके विपरीत ये बोल रहा है, ये एक और है पूर्व पक्षी, सिद्धांत ही नहीं है ये भी। तो कह रहे हैं स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति इत्येतत् अमृष्यमाण क्षणिकवादी आह। अमृष्यमाण मतलब सहन न करता हुआ, उसने जो कहा ना कि स्फटिक एक है लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं, ये उसको सहन नहीं हुआ। ये कैसे कह दिया कि स्फटिक एक है? स्फटिक एक कहाँ होता है? तो उसको सहन न करता हुआ क्षणिकवादी अपनी बात को आगे दे रख रहा है। दसवां सूत्र है स्फटिके अपि अपरापरोत्पत्ते है अल्प विराम क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम अल्प विराम अहेतु। बोले आपका ये जो हेतु है ठीक नहीं है। वैसे तो सिद्धांति ने भी अपने ढंग से उसको खंडित कर दिया कि आपने बिना हेतु के इसको प्रस्तुत किया इसलिए खंडित हो रहा है, और गंधादि के समान अन्यत्व क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, उसमें पक्ष में हेतु दे दिया, ऐसे करके खंडित किया। लेकिन क्षणिकवादी जो कि सिद्धांति नहीं है, स्फटिक का उदाहरण भी पूर्व पक्षी ने दिया और ये क्षणिकवादी ये भी कोई अन्य है, अन्य मत को मानने वाला है, वो इसका खंडन कर रहा है। तो क्या स्फटिक ये भी अपरापर उत्पत्ति है, स्फटिक में भी भिन्न भिन्न की उत्पत्ति हो रही होने से क्षणिकत्व व्यक्ति नाम व्यक्तियों के क्षणिक होने से अहेतु आपका जो कथन है उदाहरण है वो गलत है। आप जो ये कह रहे हो ना कि ये स्फटिक एक होते हुए अनेक दिखाई दे रहा है, ये एक नहीं है, इसमें अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है, पूर्व वाला स्फटिक नष्ट हो रहा है और आगे वाला स्फटिक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए एकत्व की बात ही नहीं है, इसलिए आपका यह हेतु जो कहे वो खंडित हो रहा है, ये अलग तरीके से खंडित कर रहा है अपने उसको। तो स्फटिक भी अपरापरोत्पत्ति है, ये हेतु है, स्फटिक में भी अपर अपर यानी दूसरे दूसरे भिन्न भिन्न की उत्पत्ति होने से व्यक्ति नाम क्षणिकत्वात् व्यक्ति के यानी इकाई के यानी स्फटिक के क्षणिक होने से अहेतु आपका जो एक कथन है ठीक नहीं है। भाष्य देखिए इसी को खोल रहे हैं, स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेदात नानत्वाभिमान इति अयम अविद्यमान हेतु का पक्षः। तो पूर्व पक्षी की बात को ही उद्धृत कर रहा है ये क्षणिकवादी कि स्फटिक के अभेद से यानी एक ही है, स्थिर है, नित्य है, अवस्थितस्य जो अवस्थित है स्थिर है उसके उपधान के भेद से, निकट में जो उपाधि के भेद से अन्य वस्तु के भेद से नानत्व का जो ज्ञान हो रहा है, ये जो आपने कथन किया ये अविद्यमान हेतु का पक्ष है, इसमें कोई हेतु विद्यमान नहीं है, खंडित पक्ष है आपका। तो वो पूर्व पक्षी पूछता है इस क्षणिकवादी से अकस्मात कैसे? तो बोले स्फटिके अपि अपरापरोत्पत्ति है, स्फटिक में भी दूसरे दूसरे की उत्पत्ति होने के कारण से, खोल रहे हैं इसको, स्फटिके अपि अन्य व्यक्तयः उत्पद्यन्ते अन्यः निरुध्यन्ते इति। स्फटिक में भी भिन्न व्यक्ति उत्पन्न होते हैं और अन्य नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि एक ही बार तो होता नहीं है कि एक बार नष्ट हुआ और एक बार उत्पन्न हो गया, वो तो फिर नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता रहता है, चलता ही रहता है, इसलिए स्फटिक में भी अन्य व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और अन्य व्यक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। तो पूर्व पक्षी को ने पूछा क्षणिकवादी से कि कथम ये कैसे मान लिया आपने कि ये उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहती हैं? तो उसने हेतु दिया क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, जो व्यक्ति हैं वो क्षणिक ही होती हैं, व्यक्ति क्षणिक होती हैं, इसलिए इसमें उत्पत्ति और नाश मानना पड़ता है। क्षणिक का क्या मतलब हुआ? तो कह रहे हैं क्षणश्च अल्पियान कालः अल्प विराम क्षण स्थिति का क्षणिका, क्षण को कह रहे हैं, क्षण का मतलब है अल्पियान काल है, बहुत थोड़ा सा काल, सबसे कम काल, और जो क्षण में स्थिति वाले हैं
क्षण तो छोटा सा काल हुआ, उस छोटे से काल में जो रहता है उसको क्षणिक कहते हैं, क्षण में जो रहता है उसको क्षणिक कहते हैं। उससे पूछते हैं क्षणिकवादी से, कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्त है थी, ये व्यक्तियां क्षणिक है ये कैसे पता लगा आपको? तो देखो पहले तो बात थी, पूर्व पक्षी ने इसने क्षणिकवादी ने कहा था कि इस स्फटिक में अपर अपर की उत्पत्ति होती रहती है। बोले ये कैसे? तो बोले चूंकि व्यक्ति क्षणिक होते हैं। तो बोले अच्छा व्यक्ति क्षणिक होते हैं ये कैसे पता लगा आपको? अगर ये सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति क्षणिक होते हैं तब तो अपर अपर की उत्पत्ति मानी जा सकती है, लेकिन अपर अपर की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए कहा व्यक्ति क्षणिक है, लेकिन व्यक्ति क्षणिक है ये कैसे पता लगा आपको? तथा कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्त है, तो उसके लिए क्षणिकवादी बोलता है उपचयापचय प्रबंध दर्शना शरीरादिशु। बोले शरीर आदि में उपचय और अपचय का प्रबंध यानी प्रवाह देखा जाता है, इसलिए शरीर जो है ना हमारा, ये शरीर आदि जो होते हैं इसमें उपचय यानी तो वृद्धि होती है, कोशिकाएं बनती हैं, और अपचय मतलब इसमें क्षय भी होता है, और ये प्रवाह से चलता रहता है। इससे पता लगता है कि सब वस्तुएं उत्पन्न होती है और नष्ट होती हैं, क्षणिक है। आज भी यही कहा जाता है, जो क्षणिकवादी हैं वो अपने सिद्धांत को बताने के लिए ध्यान आदि भी करवाते हैं, तो उसमें शरीर की नश्वरता क्षणिकता इसको वो अनुभव कराते हैं। जब कहते हैं कि देखो अनुभव करो, तो करते हैं कि उत्पाद वह, तो शरीर के अंगों में और जगह मन को केंद्रित करवाते हैं। बोले देखो, तो बोले कुछ आपको वहाँ पर गति दिखाई दे रही है, स्पंदन दिखाई दे रहा है, चुनचुनाहट, कुछ परिवर्तन, जैसे जैसे एकाग्र होते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है, कहीं भी धारणा करो, हाथ में करो तो हमारे को अनुभव होने लगता है ना। अगर हम हाथ को थोड़ी देर के लिए ऊपर करें, यूं ऊपर कर दें तो करो, देखें पहले करवाया आपको नहीं, इस पर मन को रखो, उंगलियों पर नहीं अनुभव में आ रहा है तो आंख बंद कर लो, नहीं तो वैसे भी पता लगेगा, होने लग गया, रखो और देखो और तेज तेज बढ़ता जाएगा, रखो थोड़ी देर बाद में और बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है ना, और थोड़ी देर में दर्द संवेदनाएं और तीव्र होने लग जाएगी ना, और ज्यादा ज्यादा नीचे कर लो। ऐसे ही जब ध्यान कराते हैं, मन को किसी एक जगह केंद्रित करते हैं, तो अंदर जो गतिविधियां चलती हैं, क्योंकि बहुत सारी गतिविधि चल रही है, रक्त का संचरण तो एकदम स्पष्ट है ही, वो चलता ही है, और भी बहुत सारा होता है, तो एक संवेदनाएं होती हैं, इन संवेदनाओं के आधार पर वो क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर ये उत्पाद व्यय परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो क्षणिक ये शरीर कैसा है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हर क्षण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि संवेदनाएं हर क्षण हमारे को अनुभव में आ रही हैं, इसलिए परिवर्तन भी हर क्षण हो रहा है। अब यहां तक की तो बात ठीक है, ये तो विज्ञान भी मानता है और बाकी लोग भी मानते हैं। अब इसके आगे की वो जो क्या कहते हैं, कथन तो ये करते हैं कि देखो हम ये उत्पाद वे अनुभव में होता है, भाई ठीक है इसमें परिवर्तन अनुभव में आ रहा है, लेकिन जो आपका उत्पाद और व्यय और क्षणिकवाद का स्वरूप है कि हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, पिछला नष्ट हो रहा है, नया उत्पन्न हो रहा है, ये तो आपको अनुभव में नहीं आया, लेकिन ये कह करके उसके मन में डाल देते हैं, और वो भी कहते हैं हाँ ये अनुभव हो रहा है, और उत्पाद वे अनुभव होने लग गया। कितने लोग कहते हैं, और दूसरों को मेरे जैसों को कहें कि जी आपको उत्पाद वे अनुभव में आने लग गया, तो कहूँगे जी मेरे को तो अनुभव में नहीं आया, तो बोले आपको संवेदना नहीं होती है क्या? नहीं, संवेदना तो होती है, लेकिन संवेदना से ये तो नहीं पता लगा कि उत्पाद वे हो रहा है, संवेदना हो रही है तो वहां अंदर परिवर्तन हो रहा है, हाँ इतने तक ठीक है परिवर्तन हो रहा है, और वो मेरे को उत्पाद वे मेरे को ही अनुभव नहीं हो रहा, आपको भी अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ आप कह रहे हो क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ये उत्पाद वे के कारण से, अब अनुभव तो हट गया, आप दूसरे के कहे हुए को आप मान करके चल रहे हो, यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, अब वो उसमें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो प्रत्यक्ष करवा दिया, अब प्रत्यक्ष के बाद में उनको लगा ये तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, अब वो उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, अब अनुभव चला गया, लेकिन कथन यही करेंगे कि उत्पाद व्यय का हमारे को अनुभव हो रहा है,
अब ये कल्पना शुरू हो जाती है, जबकि पूरे ध्यान में वो कहते हैं कि कल्पना नहीं करनी है हमारे को, हमारे को तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही करना है। लोग कल्पना में ध्यान करते हैं कि मंत्र का जप करते हैं, परमात्मा की कल्पना करते हैं, हमारे को कल्पना में नहीं, हमारे को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ध्यान करना है, प्रतिज्ञा उनकी ये होती है। लेकिन यहाँ आकर के उत्पाद व्यय को वो खुद कल्पित करवा देते हैं, फिर कल्पना कर लेते हैं। तो चलो शरीर में भी उदाहरण दे देते हैं कि भाई शरीर में कोशिकाएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं। देखो विज्ञान भी कहता है, मान लेते हैं भाई विज्ञान कोशिकाओं का उत्पन्न होना नष्ट होना ऐसा थोड़ा ना कहता है जैसा आप मानते हो। विज्ञान का प्रमाण दे रहे हैं लेकिन विज्ञान उस रूप में तो मानता ही नहीं है जैसा आप कह रहे हो। देख गलत ढंग से विज्ञान को प्रस्तुत कर देते हैं और लोग मान लेते हैं विज्ञान की बात को। अब वो संगति नहीं लगा पाते कि विज्ञान का उत्पाद व्यय अलग तरह का है, इनका उत्पाद व्यय अलग तरह का है। लेकिन विज्ञान के नाम से वो भी स्वीकार हो जाता है और पक्का हो जाता है उनके मन में, उत्पाद व्यय होता है। और शरीर में उत्पाद व्यय होता है ये एक उदाहरण हो गया, तो हर जगह उत्पाद व्यय हो रहा है, हर क्षण में उत्पन्न और नाश हो रहा है, ये परिकल्पना और ऊपर से उनको करवा देते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर भी करवाया है, क्या किया इन्होंने पूर्व पक्षी ने, जब सिद्धांति ने पूछा, ये किसी ने भी पूछा कि कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तये इति, तो बोले उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरेषु, शरीरों में उपचय और अपचय का प्रबंध देखा जाता है। अब उपचय अपचय इतना तो दिखता है कि भाई ये व्यक्ति मोटा हो गया, बढ़ गया, युवा बन गया, अब वृद्ध हो रहा है, क्षीण हो रहा है, इतना तो देखा जाता है। तो इससे क्या हुआ, अच्छा इसी को पहले खोल रहे हैं, और पक्तिर निर्वृत्तस्य आहार रसस्य शरीरे रुधिरादि भावेन उपचयो अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते। ये उपचय और अपचय शरीर में प्रबंध से प्रवाह से देखा जाता है, वो कैसे उसको खोल रहे हैं। पक्ति निर्वृत्तस्य आहार रसस्य, पकने से बने हुए जो आहार रस है उसका, क्योंकि आहार रस जो बनेगा वो पचने से ही बनेगा, जो हमने खाया जू का तो शरीर में लगता नहीं है, परिवर्तन तो होता ही है, चाहे रासायनिक परिवर्तन जो भी होता हो उसको पचन ही मानते हैं, पकना ही मानते हैं। तो पकने से बने हुए आहार रस का शरीर में रुधिरादि भावे न, रक्त आदि के भाव से उपचय होता है। अभी रक्त भी बनता है, मांस भी मचता है, मज्जी अस्थि मज्जा ये सब चीज़ें बनती हैं, तो रुधिरादि भावे न उपचयो अपचयश्च, और उसका अपचय भी होता है ये प्रबंध से देखा जाता है। अल्प विराम, उपचयात व्यक्ति नाम उत्पादा, जब उपचय होता है तो व्यक्ति का उत्पाद होता है, बनती है वो, उपचय का मतलब बनती है। और अपचयात व्यक्ति निरोधा, और अपचय होने पर व्यक्ति का निरोध यानी नाश होता है, अपचय होते होते नाश हो जाता है, ये दोनों जगह देखा जाता है। एवं च सती, ऐसा होने पर अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि ही शरीरस्य कालांतरे गृह्यते। तो ऐसा होने पर अवयवों के परिणाम के भेद से, अवयवों में परिणाम होता जाता है, बदलाव आता जाता है, इससे वृद्धि ही शरीर से, शरीर की जो वृद्धि है वो कालांतरे गृह्यते, देर से दिखाई देती है, उसी समय नहीं दिखाई देती। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, प्रतिदिन देखते हो, और वो प्रतिदिन मान लो 100 ग्राम बढ़ रहा है, 10 दिन में 1 किलो वजन बढ़ा लिया, 1 महीने में 3 किलो वजन बढ़ गया उसका, और 6 महीने तक चलता रहा तो 18 किलो वजन बढ़ गया, मान लो इतना नहीं 10 किलो बढ़ गया, 5 किलो भी बढ़ता है तो हमें जब जिसके साथ में रह रहे होते हैं तो एकदम से हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि रोज परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर कई दिनों बाद में देखते हैं उसको, महीने भर बाद में, तो एकदम लगता है अरे आपका तो वजन बढ़ गया या तो कम हो गया, तो एकदम पता लगता है। तो कालांतर में हमें पता लगता है, घड़ा भी नया होता है और वो पुराना हो गया, तो पुरानेपन का पता कब लगता है हमारे को, एकदम तो पता नहीं लगता, यद्यपि हर क्षण में पुराना हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन हमें गृहित नहीं होता है, हम पकड़ नहीं पाते। ऐसे ही कपड़े आदि के लिए, तो ऐसे कहा इन्होंने कि एवं च सती अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि ही शरीर से कालांतरे गृह्यते। तो इति स्वयं व्यक्ति विशेष धर्मो व्यक्ति मात्रे वेदितव्य है। तो ये जो व्यक्ति विशेष का धर्म है, व्यक्ति विशेष धर्म मतलब शरीर में चूंकि ये देखा जाता है, ये व्यक्ति मात्र में यानी हर वस्तु में जानना चाहिए। जैसे शरीर में ये प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता रहता है, ऐसे हर वस्तु में समझना चाहिए। अब ये परिकल्पना में लगे, आज भी ऐसे ही करवाते हो, इसी तरह से करवाते हैं और उनको सिद्ध करा देते हैं वैराग्य की उत्पत्ति के लिए कि संसार कैसा है, क्षणिक है, ये शरीर भी क्षणिक है, ये पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह भी क्षणिक हैं, और कोई भी चीज स्थिर नहीं है, आत्मा भी क्षणिक है।
अगर आत्मा है, आत्मा को जिसको माने भी, जो अनुभव करने वाला है, वो भी क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है। और जब हर चीज क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगी, तो क्या इससे सुखी होना और क्या दुखी होना। वैराग्य के लिए देखो कितना अच्छा उपाय है। दुखी तो हम तब हों जब वो दुख हमारा देर तक रह रहा हो, उधर क्षण बदल रहा है, और सुखी तो हम तब हों जब वो चीज हमारे पास देर तक रहे, वो तो हर क्षण बदल रही है। भाई क्या तो सुख और क्या क्यों, हर चीज तो क्षण क्षण वाली है, तो क्या तो सुखी हों उससे। हमारे को एक क्षण के लिए कोई करोड़पति अरबपति बना दे तो क्या सुख है, एक क्षण के लिए। और एक क्षण के लिए हमारे को कंगाल बना दे, दिवालिया बना दे, तो भी उससे क्या दुख है। एक ही क्षण तो अगले क्षण, तो एक क्षण में क्या है। और ये तो सब क्षणिक है, कुछ स्थिर है नहीं। ऐसा करके वैराग्य की उत्पत्ति की जाती है। वैसे तो वैदिक धर्म में भी अनित्यता को देख के वैराग्य की उत्पत्ति की जाती है, लेकिन वो अनित्यता का स्वरूप भिन्न है, इनकी अनित्यता का स्वरूप भिन्न है। तो ऐसे ये सिद्ध कर रहे हैं। तो स्फटिक में अपर अपर की उत्पत्ति होने से, व्यक्तियों के क्षणिक होने से आपका ये जो कथन है ये ठीक नहीं है, अहेतु है, ये क्षणिकवादी ने खंडित किया। अब इसका खंडन कर रहे हैं। अभी जो खंडन चल रहा है वो तो सिद्धांति कर रहा है, सिद्धांति का सूत्र मानेंगे। 11वां नियम हेतु अभावात यथा दर्शनम अभ्यनुच्य। नियम के कारण का अभाव होने से, ये जो नियम बनाया कि हर वस्तु ऐसे ही उत्पाद व्यय होता रहता है, ये जो नियम है इसके हेतु का अभाव होने से, इसमें कोई हेतु नहीं है निश्चित, ऐसा ही होता है। यथा दर्शनम अभ्यनुच्य, जैसा देखा जाता है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। कैसे, भाष्य में बता रहे हैं। तो कहते हैं सर्वासु व्यक्तिषु उपचयापचय प्रबंध शरीरवद इति नायम नियमः, पूर्ण विराम। पूर्व पक्षी ने क्षणिकवादी ने क्या कहा था कि जैसे शरीर आदि में उपचय अपचय देखा जाता है, ऐसे सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भी अपचय उपचय अपचय मानना चाहिए। तो बोले ये कोई हेतु नहीं हुआ कि सर्वासु व्यक्तिषु, यानी सब वस्तुओं में, पत्थर आदि और सब वस्तुओं में उपचय अपचय का प्रबंध शरीर के समान है। बोले नायम नियम है, ये कोई नियम नहीं बना, इसमें कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही वहां पर भी होता है। पूछा कस्मात, बोले हेतु अभावात, इसमें कोई हेतु नहीं है। क्या हेतु नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि नात्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति, इस विषय में कोई प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण नहीं है कि अन्य जगह भी ऐसा ही होता है। तस्मात यथा दर्शनम अभ्यनुच्या, इसलिए जैसा देखा जाता है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। शरीर में उपचय अपचय जैसा देखा जाता है मान लेंगे, पत्थर में उपचय अपचय नहीं देखा जाता नहीं मानेंगे। किंचित परिवर्तन होता रहता है वो तो एक अलग बात है कि धीरे धीरे पत्थर भी क्षीण होते हैं, घिसते हैं, ये सब कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, वो जो होता है वो तो मानेंगे, लेकिन ये जैसा उपचय अपचय शरीर का हो रहा है ऐसा तो नहीं मानेंगे वहां पर। तो यथा दर्शनम अभ्यनुच्य, जैसा देखा जाता है वैसा ही मानते हैं। उसको खोल के बता रहे हैं, यत्र यत्र उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्ति नाम अपरापरोत्पत्ति ही, उपचय अपचय प्रबंध दर्शन अभ्यनुज्यायते यथा शरीरादिशु, पूर्ण विराम। जिस प्रकार से उपचय अपचय का प्रबंध देखा जाता है जहां जहां, वहां वहां व्यक्ति में अपर अपर की उत्पत्ति उपचय अपचय प्रबंध के दर्शन से स्वीकार कर ली जाती है। जहां उपचय अपचय देखा जाता है वहां पर अपर अपर की उत्पत्ति इसी उपचय अपचय के कारण से स्वीकार कर ली जाती है, यथा शरीर आदि, जहां जैसे शरीर आदि में। और यत्र यत्र न दृश्यते, और जहां जहां ये उपचय अपचय का प्रबंध दिखाई नहीं देता है तो वहां पर अपर अपर की उत्पत्ति भी नहीं स्वीकार की जाएगी। तो यत्र यत्र न दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा ग्राव प्रभृतिषु, तो जहां जहां ये नहीं देखा जाता है वहां वहां इसका खंडन होगा, जैसे कि पत्थर आदि में, इसलिए सब जगह नहीं मान सकते। स्फटिक भी उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, स्फटिक में भी ये उपचय अपचय का प्रबंध दिखाई नहीं देता है। तस्मात अयुक्तम स्फटिके अपि अपरापरोत्पत्ति ही, इसलिए ये जो आपने कहा कि स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है ये अयुक्त है, वहाँ दिखना चाहिए, ऐसा पता लगे तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। यथा, जैसे कि यथा च, अब ये पूर्व पक्षी ने जिस तरह से कहा कि स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति माननी चाहिए जैसे कि शरीर में होती है, उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि ये आपका कथन ऐसा है। यथा च अर्कस्य कटुकिम्ना सर्वद्रव्याणाम कटुकी मानम
आपादये तात्रिक एतत्, कि किसी ने अर्क को कड़वा देखा। अर्क मतलब आक ले लो, इन्होंने नीचे आम लिखा हुआ है, आम भी कड़वा सा ही होता है, आम के पत्ते छाल वगैरह कसैला कड़वा सा होता है ना, नहीं तो आक जो होता है अर्कस्य, उसके कटु होने से, कटुपन से, क्योंकि वो कटु है इसलिए सारे द्रव्य कटु हैं, ऐसा कोई कहे तो बोले ऐसा आपका कथन है कि शरीर में उपचय अपचय आप देख रहे हैं इसलिए सब में उपचय अपचय है, ये आपका कथन ऐसा है। आज करेले की सब्जी खाई ना, अब यहाँ कोई आए और करेले की सब्जी खाए और अगले दिन फिर सब्जी आए तो बोले नहीं ये कड़वी है, ऐसा देखे कि बोले ये तो सब जगह ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति थे पहले, आजकल तो समाचार हम दूसरे देखते नहीं, तो आकाशवाणी से रेडियो से ही सुनते थे पहले, तो वो हमेशा समाचार ही सुनते थे और कुछ सुनते ही नहीं थे, उसमें गाने कार्यक्रम समाचार का समय आता तो जब जब चलता तो समाचार ही सुनाई देते थे उसमें। तो बच्चा था, उसने कहा कि जी इनके रेडियो, इन रेडियो में तो केवल समाचार ही आते हैं, क्योंकि उसने ऐसा ही देखा, उसने ऐसा ही सुना, अब उसको बाकी चीज़ तो पता नहीं है भाई, लेकिन वास्तव में जैसा होता है वैसा माना जाएगा, केवल यूं ही नहीं कि हमारे को होता है। तो शरीर में है एक चीज़ ऐसी है तो सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब जब उसने सुना तब तक समाचार ही आ रहे थे, तो उसके मन में ये हो कि जब भी मैं चलाऊँगा तब तब समाचार ही आएंगे, ये तो कहीं है तो नहीं हुआ। हाँ समाचार के समय चलाएंगे तो समाचार आएंगे, लेकिन बिना समय चलाएं तब भी समाचार आए, ऐसा जो किसी ने मन बना लिया ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही एक वस्तु यदि उत्पाद व्यय वाली है इसलिए हर वस्तु वैसी ही होगी, ये तो कोई बात नहीं होगी, आपको हेतु देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ उत्पाद व्यय मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वृद्धि और क्षय होता है तो यहाँ उत्पाद व्यय मान लेते हैं, ऐसे ही जहाँ पर ये वृद्धि देखी जाएगी वहीं उत्पाद व्यय माना जाएगा, हर जगह नहीं माना जाएगा। अब शरीर की उत्पत्ति वृद्धि और ये देखी जाती है, इस लेखनी की तो नहीं देखी जाती। तो जिस कारण से यहाँ स्वीकार किया वो कारण यदि यहाँ पर भी है तब तो इसमें स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब भिन्न भिन्न शरीर हैं पशु पक्षियों के पेड़ पौधों के, वहाँ ऐसा देखा जाता है तो वहाँ तो मान लेंगे, लेकिन जहाँ नहीं देखा जाता वहाँ पर नहीं मानेंगे, लोहे के अंदर नहीं मानेंगे, ऐसा इसने इसका खंडन कर दिया। आगे देखिए तो बारहवें सूत्र की भूमिका है आगे, यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकताम मन्यते तस्यै तत्, तस्यै एतत्, तत् को जोड़ लीजिए तस्यै तत्। तो बोले यश्च जो वो क्षणिकवादी अशेष निरोधे, अशेष मतलब कुछ बचा नहीं है, निरोध का मतलब तो नाश, पूरी तरह से नाश हो गया, पूर्ण नाश, पूर्ण नाश के होने पर, और अपूर्वोत्पादम बिल्कुल नया का नया सारा बन गया है। अब वैज्ञानिक ऐसा थोड़ा ना मानते हैं कि शरीर हर क्षण पिछला वाला पूरा नष्ट हो गया और बिल्कुल नया उत्पन्न हो गया हर क्षण, ऐसा थोड़ा ना मानते हैं। तो यश्च अशेष निरोधे अपूर्वोत्पादम और निरन्वयम, और उसमें कोई चीज़ अन्वित नहीं हो रही है, यानी अव्यवी या कोई आत्मा ये अन्वित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अन्वित नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अव्यवी को नहीं मानते हैं अन्वित, और न चेतन आत्मा को मानते हैं, इसलिए अनन्वय कहा। अनन्वयम द्रव्य संताने, द्रव्य के संतान में एक के बाद एक उत्पत्ति में क्षणिकता मन्यंते, मन्यते क्षणिकता को जो मानते हैं निरन्वयी, उसके लिए ये कहा जा रहा है। बारहवां सूत्र है कि न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्ध है, किनमें पदार्थों के अंदर, बोले न एक कथन आपका ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्ध है, उत्पत्ति तथा विनाश का कारण प्राप्त होने पर, नीचे जो पदार्थ लिखा है ना उसमें न को दोबारा लिख दिया, उत्पत्ति तथा विनाश का कारण न प्राप्त होने पर, न को काट दीजिए क्योंकि न तो नहीं हो सकता, ये अलग से लिख ही दिया है इन्होंने भाष्य में, उत्पत्ति कारणम तावद उपलब्ध्यते, बोले उत्पत्ति का कारण हमारे को उपलब्ध होता है, क्या अवयवोपचयो वल्मीकादीनाम, अवयवों का उपचय ये उत्पत्ति का कारण दिखता है, जैसे कि वल्मीक का उपचय, वल्मीक मतलब बांबी, दीमक की जो बांबी होती है
उसकी उसका निर्माण होता है तो उसमें उपचय देखा जाता है, वो बढ़ता जाता है अंदर ही, बढ़ाते जाते हैं उसको। और विनाश कारण से उपलब्ध, विनाश का कारण भी हमारे को मिलता है किन में, घटादि नाम अवयव विभाग, घट आदि में देखते हैं उनके अवयवों में विभाग होता है, उनके जो अवयव हैं कण वो अलग अलग होते चले जाते हैं तो उनका नाश हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं, खिर जाते हैं। तो यस्य तु अनपचितावयवम निरुध्यते अनुपचितावयवम च उत्पद्यते तस्य अशेष निरोधे निर्वये निरन्वये वा अपूर्वोत्पादे न कारणम उभयत्रापि उपलभ्यते इति। लेकिन जिसके मत में, यानी पहले तो ये कहा कि उत्पत्ति और नाश वहाँ मानते हैं जहाँ उसका कारण भी हम देखते हैं, तब उत्पत्ति और नाश मानते हैं। लेकिन यस्य मतलब जिसके मत में, क्षणिकवादी के मत में अनपचितावयवम निरुध्यते, बिना विभाग के भी वो नष्ट हो जाता है। अपचित मतलब तो विभाग विखंडन, अपचित अवयव और अनपचित अवयव बिना अपचय के भी नाश होता है, और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते अनुपचित अवयव, इसमें पहले देखिए उपचित अवयव, उपचित मतलब चयन होता है उसमें तो उत्पन्न होता है, तो बिना उपचित हुए अनुपचित अवयवम बिना उपचित अवयव के भी जिसके मत में उत्पत्ति हो जाती है तस्य उसके मत में अशेष निरोधे पूरे के पूरे के नष्ट होने पर निरन्वय और बिना अन्वय के जो पूर्वोत्पाद होने में उसमें न कारणम उभयत्रापि उपलभ्यते थी, उसमें तो कोई कारण ही नहीं है, वो बस मान रहा है कि ऐसा होता है, कारण तो है नहीं। आपको स्फटिक में उत्पाद और व्यय बताना है, अपर अपर की उत्पत्ति बतानी है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि ये देखो तो ये नाश हो रहा है और ये उत्पत्ति हो रही है, ये अपचय हो रहा है ये उपचय हो रहा है। बिना उपचय अपचय के दिखाए आप उसमें क्षण क्षण में पूरा नाश और क्षण क्षण में अपर की उत्पत्ति अपूर्व उत्पत्ति ये नहीं मान सकते, कारण होगा तो ही मान सकते हैं, तो कारण मिलना चाहिए। तो इस पर क्षणिकवादी बोलता है कि नहीं, बिना कारण के भी हम मानते हैं, परिवर्तन हो रहा है तो हम कारण को मान ही लेंगे क्योंकि बिना कारण के परिवर्तन नहीं होगा। सिद्धांती ने क्या कहा था, अगर उसमें परिवर्तन का कारण दिखाई दे, परिवर्तन कारण कारण दिखाई दे रहा है तो हम उसमें बदलाव मानेंगे। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि बदलाव को देख करके भी तो हम कारण का पता लगा लेते हैं, कारण भले ही नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बदलाव हो रहा है तो हम कारण का तो अनुमान कर लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी बदलाव देख करके हम कारण का अनुमान कर लेंगे। इसलिए कारण का अनुपलब्ध होना ये कोई हेतु नहीं है मेरे पक्ष को खंडित करने का, क्षणिकवाद को खंडित करने का, इस रूप में पूर्व पक्षी कह रहा है। 13वां सूत्र, क्षीर विनाशे कारणानुपलब्धि ही, कारणा ण के आगे आ की मात्रा लगा लीजिए, कारण अनुपलब्धिवत दध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्ति ही। देखो दूध से दही बनता है, उसमें क्षीर का विनाश होता है और दधी की उत्पत्ति होती है, क्षीर का विनाश होता है और दधी की उत्पत्ति होती है, तो क्षीर के विनाश का कारण पता लगता है वहां हमारे को, दिखाई देता है क्या? और दही की उत्पत्ति का कारण दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो कारण दिखाई दे ये कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी हम परिवर्तन मानते हैं, मान सकते हैं। तद्वत तदुत्पत्ति, उसी के समान में स्फटिक की भी उत्पत्ति और विनाश को मान लेंगे, कारण नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। दूध और दही में भी तो बिना कारण जाने भी हम मान लेते हैं कि इसमें परिवर्तन आ गया है, दूध का नाश हो गया और दही की उत्पत्ति हो गई, ये मान लेते हैं, ऐसे स्फटिक में भी मान लेना चाहिए, कारण का पता लगना जरूरी नहीं, अनुमान से भी हम जान सकते हैं। तो क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत, दूध के नाश में कारण के न मिलने के समान, और दध्युत्पत्ति और दधि की उत्पत्ति में भी कारण के उपलब्ध न होने पर भी उसके समान तदुत्पत्ति स्फटिक की भी उत्पत्ति विनाश हम मान लेंगे। भाष्य में यही कहा, यथा अनुपलब्ध मानम क्षीर विनाश कारणम, दूध के नाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, और दध्युत्पत्ति कारणम च, और दधि की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभ्यनुज्ञायते उसका कारण स्वीकार किया जाता है, तथा उसी प्रकार स्फटिके अपरासु अपरा अपरासु व्यक्तिषु विनाश कारणम उत्पाद कारणम च अभ्यनुज्ञेयम इति। इसलिए स्फटिक में भी अपर अपर व्यक्तियों में विनाश का कारण और उत्पाद का कारण स्वीकार कर लेना चाहिए। सिद्धांती ने कहा था कारण नहीं मिल रहा है इसलिए इसमें उत्पाद व्यय नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि उत्पाद व्यय है, इसी के आधार पर हम बिना कारण के जाने भी बिना कारण के जाने भी हम स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं बनी बात, तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। 14वां सूत्र,
लिंगतो ग्रहणात अनुपलब्धि ही। लिंग मतलब हेतु, अनुमान, प्रमाण, प्रमाण से उपलब्ध न होने के कारण से अनुपलब्धि उसकी अप्राप्ति है। अब पूर्व पक्षी ने जो दूध दही का उदाहरण दिया, यद्यपि हमें कारण नहीं मिल रहा है तो भी हम कारण मान रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक बात है कि चूंकि हमारे को दही का स्वरूप मिल रहा है और दूध का स्वरूप नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मान रहे हैं कि कोई ना कोई कारण है। दही का विनाश हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है, दूध का नाश, और दही की उत्पत्ति हमें दिखाई दे रही है, उसका रंग, गंध, स्वाद, स्वरूप बदल गया। ये बदलाव दिख रहा है इसलिए हम कारण के न दिखने पर भी कारण का अनुमान कर लेते हैं कि कारण तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो परिवर्तन हुआ है, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस स्फटिक में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप, कि ये जो अपर अपर की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण है, यहां पर ऐसा पूर्व पक्षी क्षणिकवादी सिद्ध कर रहा था, बोले उस कारण का अनुमान तब कर पाएंगे जब स्फटिक में पहले अपर अपर की उत्पत्ति दिखे, वहां अपर अपर की उत्पत्ति तो दिख नहीं रही है, और फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, जैसे वहां बिना कारण के जाने भी कारण का अनुमान करते थे, ऐसे यहां पर भी कर लो, यहां क्यों कर लो। स्फटिक में भी दूध और दही के समान परिवर्तन अगर दिखाई दे रहा है और अपर अपर की उत्पत्ति पहले सिद्ध हो तो हम कारण को मानेंगे, या तो कारण उपलब्ध हो तो कार्य को भी मान सकते हैं, कि कारण मिल रहा है तो कहेंगे कि हाँ चलो अपर अपर की उत्पत्ति नहीं दिख रही है तो भी मानेंगे क्योंकि कारण है, और या अपर अपर की उत्पत्ति सिद्ध हो जाए तो हम अनुमान कर सकते हैं कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, भले ही हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन एक का ज्ञान तो होना चाहिए। तो ना तो अपर अपर की उत्पत्ति हमारे को यहाँ प्रतीत हो रही है, और बिना प्रतीत हुए भी बस मान करके कि यहाँ अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है, इसके आधार पर यह कहना कि इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, भले ही ज्ञान नहीं हो रहा है, ये तो दोनों ही अज्ञात हो गए, ऐसी बात स्वीकार नहीं हो सकती। तो लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि ही। भाष्य, क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम। क्षीर के, दूध के विनाश का जो कारण है वो कैसा है, क्षीर के विनाश के लक्षण वाला है, अर्थात क्षीर के विनाश के लक्षण से क्षीर के विनाश के कारण का ज्ञान होता है। लक्षण तो दिखना चाहिए विनाश का, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसका कारण होगा। तो क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, एक बात। दध्युत्पत्ति लिंगम दध्युत्पत्ति कारणम च, दही की उत्पत्ति का जो कारण है वो दधि की उत्पत्ति के लिंग वाला है, यानी दधि की उत्पत्ति दिख रही है तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि दधि की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होगा। दधि उत्पत्ति कारणम च गृह्यते, ये गृहित होता है, अतो न अनुपलब्धि, इसलिए यहां पर कारण की अनुपलब्धि नहीं है, यहां तो कारण मिलेगा क्योंकि क्षीर का विनाश हम देख रहे हैं, लक्षण मिल रहा है, और उधर दधि की उत्पत्ति देख रहे हैं, इसलिए यहां कारण की अनुपलब्धि नहीं है, यहां तो कारण है। विपर्यस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु, लेकिन स्फटिकादि द्रव्यों में तो इसे उल्टा है। अपर अपरोत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति, ये जो अपर अपर की उत्पत्ति है इसका कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है, दही की उत्पत्ति का लक्षण वहां कुछ दिखता है, यहां अपर अपर की उत्पत्ति का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए तो अपरोत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति इति अनुत्पत्ति ही एव इति, इसलिए यहां पर इसकी अनुत्पत्ति ही है, उसका कोई कारण भी नहीं है, इसलिए इसकी उत्पत्ति नहीं, लक्षण दिखना चाहिए, इसलिए शरीर आदि में देखा जाता है तो स्फटिक आदि में भी होगा, दूध दही में देखा जाता है तो शरीर तो पत्थर में भी वैसा ही होगा, ये कोई बात नहीं है, यथा जैसा देखा जाता है वैसा ही उसको समझना चाहिए। अब इसके ऊपर अत्र कश्चित परिहारम आह, कोई इसका परिहार कर रहा है, दूसरा ये जो परिहार है ये सिद्धांत ही नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, ये है तो पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा है, लेकिन वो शुद्ध पूर्व पक्षी नहीं है, वो क्षणिकवादी नहीं है, उसकी तरफ का कोई है, मध्यस्थ है कोई, इसको मध्यस्थ बोलते हैं। अत्र कश्चित परिहारम आह, कोई यहां पर परिहार को कह रहा है, कहते हैं ना,
आपका कथन ठीक नहीं है। पयसह परिणामम अगुणांतर प्रादुर्भावात्। तो कहते हैं कि ये नाश नहीं है, ये जो पीछे कहा था ना कि दही दूध का नाश हो गया और दही की उत्पत्ति हो गई, तो क्षणिकवादी तो मानता ही है नाश हो गया और उत्पत्ति हो गई, और सिद्धांती भी मानता है। ये जो बीच वाला है वो कह रहा है कि ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। पयसह परिणाम, दूध के परिणाम से गुणांतर का प्रादुर्भाव हुआ है, दूध में बदलाव आ गया इसलिए नए गुण आ गए हैं इसमें। तो भाष्य में देखिए, पयसह परिणामो न विनाश इति एके आह। बोले दूध का परिणाम हुआ है, दूध का विनाश नहीं हुआ है। पीछे तो कहा था दूध का विनाश हो गया और दधी की उत्पत्ति हो गई, तो कहते हैं नाश तो किसी द्रव्य का होता ही नहीं है, सब नित्य हैं। ना भावो विद्यत ना सतो विद्यते भाव, और ना भावो विद्यते सता, जो सत है विद्यमान है उसका तो अभाव होता ही नहीं है। इसलिए ये जो आपने कथन कर दिया है कि दूध का नाश हो गया, ये तो बड़ी सिद्धांत विरुद्ध बात हो गई। दूध का कोई नाश होता है क्या? नाश तो किसी चीज़ का नहीं होता है, विज्ञान भी मानता है कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, परिवर्तित होती है। इस रूप में वो देख करके एक बीच में बोल रहा है। अब वो नाश किस तरह से कहते हैं वो ही बात है जो हम सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के संदर्भ में देखते हैं कि मिट्टी से जब घड़ा है वो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है या मिट्टी परिवर्तित हो गई है बस, तो घड़े की उत्पत्ति। तो न्याय और न्याय और वैशेषिक तो ही मानते हैं कि द्रव्य की उत्पत्ति होती है और द्रव्य का नाश होता है, सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद और सांख्य और योग उस ढंग से कहते हैं कि अभाव से जो था नहीं वो कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ था कारण, आपस में विरोध नहीं है, ये चर्चा हम पहले देख ही चुके हैं। तो ये मध्यस्थ क्या कहता है कि पयसह परिणामो न विनाशयति एके आह। दूध का नाश नहीं हो, दूध का तो परिणाम होता है, नाश नहीं होता है। परिणामश्च अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति। बोले परिणाम क्या होता है? तो अवस्थितस्य द्रव्य से, द्रव्य तो अवस्थित है लेकिन उसका पूर्व धर्म की निवृत्ति हो गई, यानी पहले वाला धर्म हट गया और धर्मांतर की उत्पत्ति हो गई है, ये परिणाम है। दूध में पहले से कुछ धर्म थे, तरलपन, मीठापन, मधुरता, ये चली गई और उसकी जगह पे स्थिरता और खट्टापन आ गया, धर्मांतर परिवर्तित हुआ है, नाश कुछ नहीं हुआ है। बोले क्यों नाश की बात लेकर के चलो, ये बीच में आकर के बोल पड़ा। बोले गलत सिद्धांत को लेकर चर्चा कर रहे हो आप लोग, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, दोनों बोल रहे हैं नष्ट हो रहा है, नष्ट नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो इसमें आगे कहते हैं गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपरे आह। दूसरे कहते हैं कि इसमें गुणांतर का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये सूत्रांश है गुणांतर प्रादुर्भावात्, गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपरे आह। कुछ कहते हैं कि परिणाम होता है, तो परिणाम का मतलब पूर्व धर्म की निवृत्ति और अपर धर्मांतर की वृत्ति, ये दो मध्यस्थ मान करके करते हैं। न पयसह परिणाम एक भी मानते हैं खैर, तो कहते हैं गुणांतर प्रादुर्भावश्च सतो द्रव्यस्य पूर्व गुण निवृत्तौ गुणांतरम उत्पद्यते। गुणांतर प्रादुर्भाव किसे कहते हैं कि सतो विद्यमान द्रव्य के पूर्व गुण की निवृत्ति होने पर, हटने पर गुणांतर की उत्पत्ति होती है। सखलु एक पक्षी भावयति, तो ये दोनों बातें एक ही हैं, एक पक्षी भाव है, एकांगी भाव है, इसका फिर आगे प्रतिषेध करेंगे। तो वैसे तो इसको दो दो दृष्टि से भी देखते हैं कि दूध में परिणाम हुआ, एक जना ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं इसमें गुणांतर का प्रादुर्भाव हुआ है। तो परिणाम का भी मतलब यही है, एक धर्म हट करके दूसरा आ गया, तो बोले ये एक पक्षी भाव है। स खलु एक पक्षी भाव, इसका एक अर्थ होता है कि जो दो तरह से यहाँ पर कथन किया ना, गुणांतर प्रादुर्भाव अलग और परिणाम अलग, तो बोले ये तो एक पक्षी भाव है, एक ही बात है दोनों। और दूसरे ढंग से कहते हैं कि ये एकांगी पक्ष है, जो ये कहते हैं कि कोई वस्तु नष्ट ही नहीं होती, उत्पन्न ही नहीं होती, बस केवल धर्मों का परिवर्तन है, ये एकांगी भाव है, अति में जाकर के कथन है। ठीक है, गुणांतर होता है, परिणाम होता है, लेकिन बस यही होता है, कोई नई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती, ये कथन करें तो ये एकांगी भाव है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोतनी। ओ
सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।